फाइन स्टूडेंट, तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री लेक्चर 15, तो ब्रॉडर टॉपिक क्या कर रहे हैं हम लोग, रिवोल्ट्स एंड मूवमेंट्स, या कहो मूवमेंट्स एंड रिवोल्ट्स, बात एक ही है। तो इसमें हम लोग बहुत कुछ कवर कर चुके हैं, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट उसको भी हम लोग दो पार्ट में देखे हैं, उसके बाद रिवोल्यूशनरी मूवमेंट उसको भी हम लोग दो पार्ट में देखे हैं, और आज के क्लास में हम लोग समझेंगे कि सिविल्स एंड ट्राइबल अपराइजिंग, यानी कि देश में ना भले ही तुमको दिखता है कि लोग विरोध, लोग तो विरोध किए ही हैं, हाँ गांधी जी भी उसी का एक वो है चेहरा है कि उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया, उसके बाद विरोध किए हैं, मगर जो कॉमन पब्लिक है उन्होंने भी विरोध किया है अलग अलग तरीके से। और यदि मैं ट्राइबल का, सिविल का मतलब लोग, कॉमन पीपल, यदि मैं ट्राइबल का बात करूँ तो ट्राइबल का जो सोशल फैब्रिक है वो बहुत डिफरेंट है, वो नहीं चाहेगा कि कोई भी बाहर से दिक्कुस, यानी कोई भी बाहर से आउटसाइडर आए और उसके लाइफ में इंक्रोच करे, बिल्कुल नहीं चाहेगा। इनफैक्ट अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी ट्राइबल नहीं चाहेगा क्योंकि कोई बाहर से इंक्रोच करे उसको, समझ पा रहे हो ना, जब अभी नहीं चाहेगा तो उस समय भी बिल्कुल नहीं चाहेगा वो। और जो ब्रिटिश है चाहे यूरोपियन पावर है, इसका फोकस क्या है कि किसी तरह उसका लैंड लेना है ना। और जानते हो कि ट्राइबल ने जो बहुत लंबा जो संघर्ष लड़ा है जल, जंगल और जमीन का, ये जो ट्री जे है उसके लिए जीवन उन्होंने अपना संघर्ष के रास्ते पे गुजारा है ट्राइबल्स ने, और अभी भी जद्दोजहद जारी है, समझ पा रहे हो स्टूडेंट। तो ये चीज़ तुमको यहाँ पे दिखेगा लेक्चर 15 में। देखो सिलेबस देख सकते हो, रिवोल्ट ऑफ 1857 एक छोटा सा हिस्सा है मूवमेंट एंड रिवोल्ट का। नेक्स्ट पेज देखो, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट कंप्लीटेड, रिवोल्यूशनरी मूवमेंट कंप्लीटेड, और अभी देख रहे हैं हम लोग ट्राइबल मूवमेंट, सिविल एंड ट्राइबल मूवमेंट्स। तो देखो विद्यार्थी लोग, सिविल अपराइजिंग, हाँ ट्राइबल अपराइजिंग अलग होता है, सिविल अपराइजिंग सिर्फ मतलब क्या, कॉमन पीपल, यू एंड मी टाइप, इसका क्या अपराइजिंग, अपराइजिंग मतलब क्या, गुस्सा अगेंस्ट द रूलर, अगेंस्ट द एस्टैब्लिशमेंट। तो यहाँ समझते हैं स्टूडेंट, जिस हिसाब से कॉलोनियल रूल भारत में स्थापित हुआ तो इसका बहुत ज़्यादा ही निगेटिव असर पड़ेगा इंडियंस पे, चाहे वो सोशल सोशल हो, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, सोसाइटी के हर एक आयाम में निगेटिव असर पड़ेगा इंडियंस के ऊपर। लोगों में गुस्सा है, रिसेंटमेंट है, डिसकंटेंटमेंट है तुम्हारा ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट, अलग अलग ग्रीवांसेस है, पीजन का अपना ही ग्रीवांसेस होगा, आर्टिसन का अपना ही ग्रीवांसेस होगा, ट्राइबल का अपना ही ग्रीवांसेस होगा, लीडर्स का अपना ही ग्रीवांसेस होगा, मैं सबका ऑब्जेक्टिव एक क्या है कि ब्रिटिश को उखाड़ के फेंक देना, क्योंकि कॉमन एनिमी तो ब्रिटिश ही है ना, तो ब्रिटिश आया तभी तो अलग अलग लोग को अलग अलग तरह का प्रॉब्लम हुआ है। जैसे एग्जांपल देखो, पीजेंट्स पीजेंट परमानेंट सेटलमेंट आ गया, महलवाड़ी सेटलमेंट आ गया, रोहतवाड़ी सेटलमेंट आ गया, ये पढ़ोगे नेक्स्ट क्लास में भी और आने वाले समय में भी, समझ रहे हो ना। तो ये जितने भी सेटलमेंट था, पहले जमींदार भी परमानेंट हुआ करते थे, अब तो जमींदार भी जमींदार नहीं रहा इसके टाइम में, सनसेट क्लॉज आया था, आने वाले हिस्ट्री में पढ़ोगे तुम लोग कि जमींदार भी अब परमानेंट जमींदार नहीं रहा, एब्सेंटी लैंडलॉर्ड्स बन गए हैं, जमींदार को बुरा लगेगा ना। तो चाहे पीजेंट्स हो, बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम, रोहतवाड़ी सिस्टम, मालवाड़ी सिस्टम, इसके वजह से कहीं ना कहीं पीजेंट को शोषण हुआ है। रूलिंग क्लासेस देखो, अच्छा हम बताए ना डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, दलाऊजी को जान रहे हो ना, सतारा भी ले लिया गया था ना स्टूडेंट 1848 में, झांसी भी ले लिया गया था ना, तो फिर अवध भी ले लिया गया था ना अवध, मगर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ने मिस गवर्नेंस के प्रिटेक्स्ट में। तो हम देखे हैं कि नेटिव रूलर को ही परेशान किया है ब्रिटिश ने, कॉमन आदमी को तो परेशान किया ही है, नेटिव आदमी को भी परेशान किया है, तुम्हारे और मेरे जैसा आदमी जो कॉमन पीपल वो ही परेशान हुआ। तो रूलिंग क्लास हो, चाहे पहले का जमींदार हो, चाहे लैंडलॉर्ड हो या पॉलीगर्स हो, सभी लोग किसी न किसी रूप में प्रभावित हुए हैं बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश। आर्टिसंस कितना बढ़िया से हाथ का सामान बना के बेचते थे, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कितना बेजोड़ था भारत में, ब्रिटिश आया पृथ्वी बर्बाद कर दिया ना, इंडिया को मेयर इम्पोर्ट कंट्री बना दिया, यानी कि इंडिया से केवल रॉ मटेरियल जाएगा, अब बाहर से यूरोप से यानी कि इंग्लैंड से मशीन का बना हुआ चीज इंडिया में आएगा और यहाँ पूरी तरीके से बिकेगा, तो हमारा तो जो इंडस्ट्री था वो पूरी तरीके ठप हो गया, समझ रहे हो ना। उसके बाद मिलिट्री पर्सनल देखो, हमारे जो भाई लोग थे जो मिलिट्री में ज्वाइन करते थे वो सूबेदार रैंक तक ही पहुँचते थे, और हमने म्यूटिनी, दुनिया भर का म्यूटिनी भी देखा, सिंगापुर का भी म्यूटिनी देखे हैं हम लोग,
आने वाले समय में 1857 का भी रिवोल्ट दिखेगा, आने वाले समय में तुमको सिपाही मिटने और भी चीज़ दिखेंगे। तो जाहिर सी बात था, चाहे वो सिपाही का बात हो मिलिट्री में, और हम पिंडारीस का भी इशू देखे हैं, हम पिंडारी भी देखे हैं स्टूडेंट। हाँ, जब मराठा का चर्चा कर रहे थे तो उसमें देखे तो पिंडारी भी तो आर्मी का ही हिस्सा रहा करता था। जो जहाँ पे जो स्टेट ब्रिटिश के गुलाम बन गया, ब्रिटिश के अंदर आ गया, तो वहाँ का जो आर्मी उसको डिसबैंड कर देता था। वो लोग करे तो करे क्या, वो इधर लूट करते थे तो फिर कंट्रोल करता था। तो चाहे इंडियंस मिलिट्री के अंदर हो, ब्रिटिश के मिलिट्री के अंदर हो, चाहे वो बाहर हो, शोषण तो हो ही रहा था किसी न किसी रूप में। तभी तो मंगल पांडे ने विद्रोह कर दिया था 1857 का रिवोल्ट। ट्राइबल, देखो ट्राइबल के बारे में तो पूरा ये क्लास ही केंद्रित है। ट्राइबल्स, ट्राइबल्स का बताओ जमीन। अच्छा, ट्राइबल का तरीका अलग है। जैसे कॉमन आदमी का क्या होता है, जमीन अपना होता है ना, एक आदमी का जमीन। ट्राइबल का क्या होता है, कम्युनिटी ओनरशिप होता है, बहुत सारे लोग का एक जमीन हो रहा होता है। अब ये वाला जो सिस्टम है, यदि आप इंक्रोच कर दोगे इस सिस्टम को, यदि ब्रेक कर दोगे, तो ट्राइबल्स लोग को बुरा लगेगा ना। ट्राइबल्स लोग जो कि इतना दिन से जंगल को संभाल के चल रहे थे, अब उनको जंगल से ही तुम निकाल दोगे तो विद्रोह होगा ना। तो ट्राइबल्स लोग जो अपना इंडिजिनियस कल्चर को मेंटेन करके आगे बढ़ रहे थे जीवन में, और उसको तुम ज़बरदस्ती क्रिश्चियन बना दोगे तो बुरा लगेगा ना, समझ रहे हो ना। हाँ, तो ब्रिटिश ने हर जितने सेक्शंस ऑफ पीपल है सबको गलत तरीके से प्रभावित किया है। उसके बाद रिलीजियस लीडर देखो, ये लोग हिंदू मुस्लिम, अब बताओ ये लोग सन्यासी हुआ करते थे, इनको जहाँ मन होगा वहाँ घूमेंगे, जहाँ मन होगा वहाँ मैसेज देंगे, और जिससे आर्म्स लेना है, जिससे इनको भिक्षा लेना है वो भिक्षा लेंगे, और जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। यही ना होता है लीडर्स का, मतलब रिलीजियस लीडर्स, पीर बाबा हो चाहे हमारे सन्यासी बाबा जो भी हो। अब इस पे तुम लगाम लगा दिया कि एक कोई नहीं जा सकता एक जगह से दूसरी जगह, यदि एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है तो वो चोर है, वो ठग्स है, तो किस तरह का मैसेज जाएगा समाज में। फिर ये लोग भी, जिसका काम है चंदन लगाना, जिसका काम है आशीर्वाद देना, ये लोग भी आर्म्स और वेपनेशन के साथ लड़ना शुरू कर देंगे, तो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करेगा ब्रिटिश इस्टेब्लिशमेंट, समझ गए ना। तो इसी का एक रिजल्ट देखो विद्यार्थी लोग, अर्बन पोर, जो कि कहाँ के, अर्बन का मतलब समझते हो ना, शहर के गरीब लोग के साथ क्या हुआ है। देखो एक एजिटेशन बनारस में भी हुआ था 1810 में, देखो कितना पहले की बात था। वहाँ पे हाउस टैक्स लगा दिया गया सरकार के द्वारा, ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, तो उस चीज़ को लेकर वहाँ पे सिविल अपराइजिंग हुआ है। सूरत को देखो, राइट्स भी हुआ था, सूरत में भी दंगा हुआ है, सूरत में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट हुआ है दंगा 1814 में, क्योंकि सॉल्ट टैक्स लगा दिया गया। बरेली में देखो, बरेली में वही हुआ, पुलिस टैक्स लगा दिया, म्यूनिसिपल टैक्स इतना ज़्यादा लगा दिया कि बरेली में जो पीपल लोग थे वो अपराइजिंग करना शुरू कर दिए। तो हम देख रहे हैं ये चीज़ कि कुछ ना कुछ ब्रिटिश अपना रेवेन्यू की वजह से लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ही निगेटिवली इम्पैक्ट किया है, समझ पा रहे हो ना। देखो आप यहाँ पे समझो, तो आखिर क्या कारण थे, किस वजह से लोग अपराइजिंग कर रहे, किस वजह से लोग विद्रोह कर रहे ब्रिटिश का। तो देखो, यदि देखोगे इश्यूज विथ पीजन एंड ट्राइबल, इश्यूज विथ इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज एंड इश्यूज विथ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब चीज़ को देखोगे समझोगे पढ़ोगे तो तुमको पता चलेगा कि इंडियंस के पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं। जब ऑप्शन नहीं है आपके पास तो क्या करोगे, मारोगे ना, और क्या कर सकते हो, यही हुआ है। एग्जाम्पल देखो, पीजेंट्स और ट्राइबल के साथ क्या हुआ बताओ, ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट लेके आया ना, परमानेंट लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, मालवाड़ी सेटलमेंट, रोधवाड़ी सेटलमेंट, ये क्यों लेके आया है, ताकि अधिक से अधिक शोषण किया जा सके। लगान मूवी देखे हो ना, दो गुना लगान देना पड़ेगा, क्या होता है अपने मन से दो गुना लगान देना पड़ेगा, इज देयर एनी असेसमेंट, क्या असेसमेंट है, बिना असेसमेंट किए हुए आप लैंड रेवेन्यू बढ़ाए जा रहे हो, बढ़ाए जा रहे हो, शोषण हुआ कि नहीं होगा पीजेंट्स का, समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट। तो दुनिया भर का सिस्टम जो लाया गया है लैंड से रिलेटेड, वो पीजेंट्स को शोषण करने के लिए लाया गया, वही हाई लैंड रेवेन्यू डिमांड स्टेट कर रहा है, नया टैक्सेस लगा रहा है, पीजेंट्स को अपने ज़मीन से ही बेघर किया जा रहा है। वो छोड़ दो, जमींदार को ही अपने ज़मीन से निकाल दिया गया, पीजेंट छोड़ो, पीजेंट तो बहुत बात का चीज़ है। रूरल सोसाइटी का एक्सप्लोटेशन हो रहा है, बीच में देखो जमींदार लोग आ रहे हैं ना, बीच में लोग सब मनी लेंडर्स आ रहे हैं ना, तो इन लोगों के वजह से शोषण हो रहा है। अब अटैक होगा तो पहले तो इंडियंस अटैक करेगा जमींदार को, और जमींदार रिप्रेजेंटेशन है ब्रिटिश का, तो जो बीच का बिचौलिया लोग है, बिचौलिया लोग भी तो निगेटिवली इम्पैक्ट डाल ही रहा था इंडियंस पीपल के ऊपर, चाहे वो इंडियन पीपल तुम्हारा ट्राइबल हो, चाहे वो तुम्हारा पीजेंट्स हो, या फिर आर्टिसंस हो, सो ऑन। दूसरी बात है, ट्राइबल लैंड पे इंक्रोच कर रहे हो, ट्राइबल लैंड पे जा रहे हो, बताओ ट्राइबल हो तुमको जमीन। अच्छा, सवाल ये उठता है कि झारखंड में इतने ट्राइबल मूवमेंट हुए, जानते हो ना, ट्राइबल मूवमेंट बहुत ज़्यादा झारखंड में हुआ है, तो क्या रीज़न है। ब्रिटिश ने इसके लिए कमेटी बनाया था कभी, तो ब्रिटिश को पता चला है कि ट्राइबल लोग अपने लैंड को लेकर बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड होते हैं, माता समझते हैं,
मां समझता है लैंड को लेके, इसलिए लैंड छोड़ेगा ही नहीं वो लोग। लैंड उसके लिए केवल प्रॉपर्टी नहीं है, लैंड उसके लिए माँ है। तो उसकी ये बात जब ब्रिटिश को पता चला, तो उसके बाद ब्रिटिश ने कुछ टेनेंसी एक्ट लाया, उसके बाद थोड़ा सा प्रोटेक्ट किया है, और वो प्रोटेक्शन अभी भी जारी है। ट्राइबल का ज़मीन आप ऐसे नहीं खरीद सकते हो। इफ़ यू गो टू द झारखंड, इफ़ यू गो टू द ओडिशा, तुमको पता चल जाएगा कि ट्राइबल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन है, उसका ज़मीन आप ऐसे नहीं ले सकते हो। और ये उस समय भी समझा गया आफ्टर लॉट्स ऑफ रिवोल्ट। दूसरा देखो, इंडिजिनियस इंडस्ट्री क्या हुआ जी, हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था है ना, पूरा बर्बाद हो गया ना। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स प्रमोट किया जा रहा है इंडिया में, देखो अब ब्रिटिश का जानता है कि उन लोग का एडवर्टीजमेंट करने का भी तरीका बेजोड़, भगवान का फोटो डाल दिया, एडवर्टीजमेंट हो रहा है इंडिया में। और दूसरी बात है, ये भी बात तो सही बात है कि हाथ का बना हुआ चीज़ हमेशा महंगा ही होगा, और जो यदि इंडस्ट्री में यूनिफॉर्म कोई प्रोडक्ट बना है तो वो ज़्यादा सस्ता होगा और ज़्यादा बेटर लगेगा देखने में भी, अट्रैक्टिव भी होगा। तुम्ही देखो, तुम्ही लोग जब मॉल जाते हो तो हाथ का बना हुआ कपड़ा थोड़ी खरीदते हो, मशीन से बना हुआ कपड़ा खरीदना प्रेफर करते हो, है कि नहीं बताओ तो। कॉमन चीज़ है, गांधी जी चरखा लेके आए कि नहीं आए, चरखा लेके आने का मतलब चरखा सिंबल बना इंडिपेंडेंस का, तो चरखा से भी तो वही मैसेज देना चाह रहे थे कि स्वदेशी पहनो। खैर यहाँ पे देखो, इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगाना शुरू कर दिया, वही एक्सपोर्ट ड्यूटीज। तो देखो हमारे जो फिट, जैसे राजा राम मोहन रॉय ने भी कहा था ये बात कि एक्सपोर्ट ड्यूटी कम लगना चाहिए, इम्पोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगना चाहिए, ताकि बाहर का सामान इंडिया में उतना आसानी से ना पहुँचे और इंडिया का सामान बाहर अच्छे से जा सके, ताकि इंडियन जो ट्रेडर्स है मर्चेंट क्लास, वो पैसा कमा सके, समझे। हाँ वही देखो, सस्ते तरीके, इंपोर्टिंग चीप फॉरेन प्रोडक्ट्स, बाहर का सस्ता में आ रहा है इंडिया में, तो हमारा जो हैंडलूम हाथ से बना हुआ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री सब बर्बाद हो गया, चौपट हो गया। बताओ लोग सब इंडस्ट्री छोड़ छोड़ के एग्रीकल्चर में जा रहे हैं, है ही नहीं जॉब वहाँ पे, क्योंकि जो भी जॉब है वो यूके में है, जहाँ इंडस्ट्री होगा वहीं ना जॉब होगा जी। और जो भी इंडिया में जॉब था वो भी ख़त्म, क्यों, पूरा रिप्लेस कर दिया मशीन ने गुड्स को। तो जब मैन्युफैक्चरिंग से, इंडस्ट्री से लोग छोड़ छोड़ के जाएंगे एग्रीकल्चर में, तो एग्रीकल्चर में बर्डन बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा बताओ तो, हिडन एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तुमको नाम के लिए लगेगा एम्प्लॉयड है, वो एम्प्लॉयड नहीं है। जब एक यूनिट पे 5 आदमी काम कर सकता है, तो उसमें 15 आदमी की क्या ज़रूरत है, इनफैक्ट 5 आदमी का भी ज़रूरत नहीं, 2 आदमी भी काम कर सकता है एक यूनिट पे, तो उसमें 10 आदमी 15 आदमी ऐड हो रहा, सब बेरोजगारी है ना। तो यानी कि स्थिति बहुत ही ख़राब हो गया था, समझे। जो हमारा, इसलिए तो कहते हैं कि ब्रिटिश आने की वजह से जो हमारा इकोनॉमी चलने का जो रास्ता था, इकोनॉमी जो सिस्टम था, उसमें भी निगेटिवली असर पड़ा, सोसाइटी में तो पड़ा ही पड़ा। हाँ भले ही हम कंजर्वेटिव एलिमेंट को लेकर चल रहे थे, तो वो हमारा अपना इंडिजिनियस था ना, ब्रिटिश क्यों इंटरफेयर करेगा उसको। ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का देखो करप्ट प्रैक्टिसेस, हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी कितना करप्ट प्रैक्टिसेस कर रहा है, इतना बुरा करप्ट प्रैक्टिसेस किया कि ये लोग डिफॉल्ट हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी। बताओ सर्वेंट बहुत रही और कंपनी पूरा बर्बाद, तभी नहीं गया ब्रिटिश के पास, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या शर्त रखा, ठीक है इतना इतना लोन लो, मगर हम रेगुलेटिंग एक्ट बनाएंगे। उसके बाद जानते हो आस्ते 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 सब ब्रिटिश के पाले में आ गया, और विद द क्वीन प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858 तो पूरा भारत तो ब्रिटिश का गुलाम बन गया, ब्रिटिश पार्लियामेंट का गुलाम बन गया, समझो। तो यहाँ पे तुमको समझना होगा कि जो करप्ट प्रैक्टिसेस है, हार्ड एटीट्यूड है ऑफिशियल्स का, ये ठीक नहीं है, इससे इंडियंस लोग खफा हो जाएंगे। बताओ इंडियंस के साथ क्या बीत रहा है, कॉमन आदमी का जीवन में क्या ग्रीवांसेस, उसको सुनने वाला कोई नहीं है। कंपनी को बस, ईस्ट इंडिया कंपनी को बस इतना ही फिक्र है कि कैसे उसका रेवेन्यू बढ़े आगे, कैसे वो अधिक से अधिक एक्सप्लॉइट करे फार्मर्स को, अलग वर्ग को, ताकि वो पैसा कमा सके। कॉलोनियल लॉ था, जुडिशरी जो भी थे, वो सब ये तंत्र पूरा लगा हुआ था कि कैसे ब्रिटिश को फ़ायदा हो और कॉमन पीपल को फ़ायदा ना हो, कॉमन पीपल का बुरा हो। तो जब तंत्र ही लग जाए कॉमन पीपल को बर्बाद करने में, तो कॉमन पीपल के पास क्या रास्ता बनता है, बगावत का, लड़ने का, क्या कर सकता है कॉमन पीपल। जब सिस्टम से भी आपको नहीं मिला, चलो सरकार ने बदमाशी किया है, तो कम से कम कोई व्यवस्था तो होना चाहिए जहाँ पे सरकार को चैलेंज किया जा सके। अभी सरकार तुम्हारा यदि फंडामेंटल राइट्स वायलेट करता है, तो तुम जाओगे ना कोर्ट में, तुम लीगल प्रोसेस से जाओगे ना, वहाँ पे तुमको न्याय मिलेगा, भले ही जल्दी मिले लेट मिले वो भी से दूसरा मिलेगा ना, एक चांस एक होप है ना। जहाँ पर पूरा तंत्र ही मिला हुआ है एक्सप्लॉइट करने में, तो क्या करेंगे लोग, समझ पा रहे हो ना, क्या होगा, विद्रोह होगा, और क्या होगा, विद्रोह होगा ये। तो ट्राइबल रिवोल्ट्स आ रहा है समझ में, भूमिका तैयार हो रहा है ट्राइबल रिवोल्ट्स का, कोई भी रिवोल्ट ऐसे नहीं हो जाता है। और रिवोल्ट मतलब बहुत बड़ा बात होता है स्टूडेंट,
बगावत थी, नहीं मानेंगे तुमको, निकाल के ही रहेंगे अब हम, ठीक है, तो क्यों आए यहाँ पे। तो यहाँ देखो ट्राइबल रिवॉर्ड्स को हम दो कैटेगरी में पढ़ सकते हैं, दो कैटेगरी में हम समझ सकते हैं। हाँ, और देखो ये जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ है वो बहुत ज़्यादा हुआ है इंडिया, मिलिटेंट है, हाँ जोड़ने वाला नहीं है, अधिकतर जो ट्राइबल रिवोल्ट हुआ है वो मिलिटेंट है, बंदूक पिस्तौल से जवाब दिया गया है, समझे, और वॉयलेंट रहा है सब, पूरा वॉयलेंट, सत्याग्रह वाला बहुत कम ही ऐसा ट्राइबल मूवमेंट हुआ, एक दो ट्राइबल मूवमेंट हुआ है सत्याग्रह पर भी, मगर अधिकतर जो ट्राइबल मूवमेंट देखोगे सब वॉयलेंट हुआ है। हाँ, तो देखो ट्राइबल मूवमेंट को भी हम लोग दो कैटेगरी में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। एक है मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट, यानी कि भारत का जो मेनलैंड एरिया है जैसे सेंट्रल इंडिया हो गया ये सब चीज़, और एक जो ट्राइबल होगा वो फ्रंटियर ट्राइबल वाला होगा, वो नॉर्थ ईस्ट वाला, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ब्रिटिश बहुत बाद में गया है, क्योंकि आसाम तो अहोम किंगडम के अंदर बहुत पहले से था, समझ रहे हो ना। तो नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो घुसा है ब्रिटिश, जो ब्रिटिश पेनिट्रेट किया वो बहुत बाद में किया है, और जो मेनलैंड है, मेनलैंड मतलब वही झारखंड हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, ये जो मेनलैंड है अंदर का जो है, तो यहाँ पे भी ट्राइबल मूवमेंट्स हो रहे थे, वहाँ पे भी ट्राइबल मूवमेंट्स हो रहा, मतलब दोनों का रीज़न अलग होगा, समझ गए। तो देखो फर्स्ट क्या है, मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स, और सेकेंड वन क्या है, फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स कंसंट्रेटेड मेनली इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो कि अभी का नॉर्थ ईस्ट कह सकते हो तुम लोग। तो पहले देखते हैं कि मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट जो उसमें इशूज़ क्या था, ऐसे तो रिवोल्ट नहीं हो जाएगा ना, कुछ पक्का ब्रिटिश ने कुछ गलत काम किया होगा, या ब्रिटिश का जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके वजह से कुछ गलत हुआ होगा, तो कुछ तो ऐसा हुआ है। देखो ट्राइबल लैंड एंड फॉरेस्ट, देखो मैं तो बोल ही रहा हूँ स्टूडेंट, तब से ही जंग शुरू है, तब से ही संघर्ष शुरू है, जल जंगल और जमीन का जो संघर्ष है, ट्रीजे का जो संघर्ष है वो जारी है। तो क्या है ये, पहले देखते हैं लैंड एंड फॉरेस्ट, जंगल और जमीन। देखो विद्यार्थी लोग, लैंड सेटलमेंट जो ब्रिटिश का था, यानी कि ब्रिटिश का जानते हो ना, घुस जाता था अंदर रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, इसके वजह से जो ट्राइबल्स का अपना जो ओनरशिप था, अच्छा ट्राइबल्स का क्या कलेक्टिव ओनरशिप होगा ना, जैसे नॉर्मली क्या होता है कि एक आदमी का अपना कुछ जमीन, एक आदमी का अपना जमीन, ऐसा नहीं होता ट्राइबल लोग्स में, ट्राइबल्स लोग में एक कलेक्टिव ओनरशिप होता है कि सब मिला के इतना जमीन। तो ये जो कलेक्टिव ओनरशिप का जो ट्रेडिशन था ट्राइबल में, ये ब्रिटिश आके तोड़ दिया इस चीज़ को। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो ट्राइबल्स लोग अपना जो कल्चर को फॉलो करके आगे बढ़ रहे थे, उसमें डायरेक्ट चोट पहुंचाया ब्रिटिश ने, नंबर वन, इसे सोशल फैब्रिक डिस्टर्ब हुआ है। दूसरा क्या है कि देखो अब इसको चाहिए कमर्शियल एग्रीकल्चर, क्यों, अरे भाई एग्रीकल्चर करेगा तो रॉ मटेरियल आएगा, तो वो यूरोप ले जाएगा, यूरोप में दुनिया भर का चीज़ बना के फिर इंडिया में थोपेगा या फिर कॉलोनी में बेचेगा, यही स्ट्रेटेजी था उसका। तो एग्रीकल्चर को क्या करना चाहेगा, एक्सपांड करना चाहेगा, जब एग्रीकल्चर को एक्सपांड करेगा तो वो देखेगा ना ट्राइबल के पास इतना ज़मीन है, थोड़ा ले लिया जाए, तो ट्राइबल के जीवन में वो दखल देगा कि नहीं देगा, बताओ। तो चूँकि एग्रीकल्चर एक्सपांड एक्सटेंड हो रहे थे, ट्राइबल का ज़मीन खोना शुरू हो गया, और जो नॉन ट्राइबल लोग हैं, क्योंकि देखो ट्राइबल लोग कभी भी नहीं चाहे कि बाहर का दिकूस लोग, आउटसाइडर लोग आए, कभी नहीं चाहेगा वो, क्योंकि आइसोलेटेड रहने वाले लोग सब है। अब बाहर के लोग को, जमींदार को ला दोगे वहाँ पे, है ना, बाहर के लोग को ला दोगे, कॉन्ट्रैक्टर को ला दोगे, मर्चेंट ट्रेडर्स को ला दोगे, तो बुरा लगेगा इन लोग को, जितना बार उसको देखेगा उतना बुरा लगेगा इन लोग को, आखिर यही लोग के वजह से हम बर्बाद हो गए। तो संघर्ष चलेगा इसके बीच में भी, ट्राइबल्स और जो मनी लैंडर्स जमींदार सब, इसके बीच में भी संघर्ष होगा लंबा, आया समझ में। दूसरी बात है देखो कि शिफ्टिंग एग्रीकल्चर तो शुरू से परंपरा रहा है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर जिसको हम लोग कहते हैं, कि ट्राइबल्स लोग का क्या है कि कहीं गए जंगल में, एरिया साफ़ किए, पैच साफ़ किए, वहाँ थोड़ा कल्टीवेशन किए, हो गया तो फिर वहाँ पे जंगल को जलाया गया, फिर दूसरी जगह गया, उसको बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हो। हाँ, इस पर सवाल उठ सकता है कि कितना प्लस है कितना माइनस है, वो आपका एनालिसिस करने का चीज़ है। मैं ये कल्चर का हिस्सा तो रहा है ट्राइबल्स का, ट्राइबल्स अभी से नहीं, बहुत साल से ऐसा कर रहे थे। जब ब्रिटिश देखेगा कि ट्राइबल्स लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रहे हैं, तो ब्रिटिश लगाम लगा देगा ना, बोलेगा कि ये तरीका नहीं है, साइंटिफिक कल्टीवेशन करो। मगर ट्राइबल्स मानने वाला है, ट्राइबल्स तो अपना ही रूट फॉलो करना चाहेगा, अपना ही कल्चर फॉलो करना चाहेगा, समझ पा रहे हो ना। तो देखो शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है वो उसको रोक दिया गया, तो इससे ट्राइबल्स का, देखो ट्राइबल को और प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, ट्राइबल का और कंसर्न हो गया। तो गवर्नमेंट, देखो गवर्नमेंट जिस हिसाब से फॉरेस्ट एरिया को कंट्रोल कर रही है, बताओ फॉरेस्ट को देखने वाला आदमी ट्राइबल्स,
जो कि कितना हजार साल से कैरी कर रहा है उस चीज़ को, फॉरेस्ट को। फॉरेस्ट को तो समझ रहे हो ना, फॉरेस्ट को कैरी किया तो ट्राइबल्स लोग ही हैं, है ना। इनफैक्ट फॉरेस्ट को पूछता है ट्राइबल्स, अब हमारे लिए फॉरेस्ट एरिया है, मगर ट्राइबल्स के लिए फॉरेस्ट फॉरेस्ट नहीं है, वो एक इमोशन है उसके लिए। समझ पा रहे हो स्टूडेंट, जब तुम फॉरेस्ट से ही उसको दूर कर दोगे और कहोगे कि तुम सामान नहीं ले सकते हो फॉरेस्ट से, तो क्या बीतेगा इन लोग के ऊपर, कि कल तक तो यहीं सो रहे थे, कल तक तो जो भी सामान मन था वो लेते थे और अपना चलाते थे, इकोनॉमी चलाते थे। आज यदि ब्रिटिश हमको रोक रहा है तो हमारा जो सिस्टम है काम करने का, वो तो उसमें तो बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, बगावत होना ही है। देखो क्योंकि फॉरेस्ट, देखो फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है टिम्बर प्रोडक्शन के लिए। अब ब्रिटिश का ध्यान है टिम्बर प्रोड्यूस करके रेलवे नेटवर्क बनाया जाए, टिम्बर प्रोड्यूस करके शिप इंडस्ट्री को क्रिएट, शिप में लगता है टिम्बर सब, काठ वगैरह सब, है ना। रेलवे के जानते हो, रेलवे में ट्रैक के नीचे वो, हाँ, उसको स्लैब बनाने के लिए लिया आता है, टिम्बर का यूज़ होता है, तो अब उसको चाहिए फॉरेस्ट, और जानते हो टिम्बर गुड सोर्स ऑफ मनी इनकम। तो इन लोगों को बताओ टिम्बर से दूर कर दिया जाएगा, फॉरेस्ट एरिया से दूर कर दिया जाएगा, बाद में थोड़ा बहुत माइनर प्रोड्यूस दे दिया जाएगा। अभी देखोगे भारत में फॉरेस्ट एक्ट 2006 है कि नहीं है, ताकि इन लोग को थोड़ा सम्मान दिया जा सके, और इन लोगों को कम से कम इतना चीज़ तो दे दिया जाए फॉरेस्ट से, ताकि वो अपना इकोनॉमी जनरेट कर सके। आया समझ में? तो देखो जितना भी इन लोगों का अपना इंडिजीनियस राइट था, जिसको लंबा समय तक कैरी कर रहा था ट्राइबल्स लोग, ब्रिटिश ने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया। आया समझ में? दूसरा देखो आउटसाइडर, वही जो मैं बोल रहा हूँ, पुलिस का एक्सप्लॉयटेशन, मर्चेंट क्लास का एक्सप्लॉयटेशन, मनी लेंडर का एक्सप्लॉयटेशन, समझे। तो इससे जो ट्राइबल्स का जो दुख है, दर्द है, वो और बढ़ा है, बाद में होगा इसके अगेंस्ट भी बगावत होने वाला है। एंड तीसरा देखोगे वही उसका कस्टम और ट्रेडिशन, इन लोगों का कस्टम और ट्रेडिशन बहुत अलग है कि नहीं है, बताओ ट्राइबल्स का। अब इन लोगों को पकड़ पकड़ के यदि क्वेश्चन बनाओगे तो गुस्सा तो आएगा। तो ही बोला कि जैसे कॉलोनियलिज्म इंपीरियलिज्म फैला भारत में, तो क्रिश्चियन मिशनरी भी आना शुरू कर दिया। अब क्रिश्चियन मिशनरी आएंगे तो इंटरफेरेंस करेगा ही करेगा इसके कस्टम्स में, इसके रिचुअल्स में, तो इससे भी नफरत है इन लोग के मन में कि आखिर ब्रिटिश आया तभी तो ये सब चीज़ हो रहा है। तो इसलिए कह रहे हैं स्टूडेंट, चाहे सोशली हो, चाहे इकोनॉमिकली हो, चाहे कल्चरली हो, हर क्षेत्र में देखोगे तो जो ट्राइबल का जो जीने का जो अंदाज था उसको डिस्टर्ब किया है ब्रिटिश के एस्टैब्लिशमेंट ने। समझ पा रहे हो ना स्टूडेंट? आगे देखो, दूसरा देखते हैं, चलो वो तो मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट्स की वजह से, दूसरा हम लोग देखते हैं फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स। फ्रंटियर जो नॉर्थ ईस्ट में हुआ, जो कि बहुत बाद में हुआ, उसमें क्या इशू था, उसमें देखो उसमें इशू अलग है, क्योंकि दोनों अलग है, दोनों अलग मूवमेंट है। एक आपका मेनलैंड ट्राइबल्स है, जो कि हम बोले हैं झारखंड सब वाला रीजन हो जाएगा, राजमहल हिल्स वाला हो जाएगा। राजमहल जानते हो ना, झारखंड और बंगाल के बीच वाला जो एरिया है राजमहल हिल्स, जहाँ बहुत बड़ा गैप भी बनता है, जानते हो मालदा फॉल्ट भी जिसको कहते हैं हम लोग। हाँ, तो नेचर ऑफ रिवोल्ट देखो ट्राइबल फ्रंटियर पे क्या हो रहा है। द रिवोल्ट वॉज मोस्टली रीजनल एंड लोकल इन नेचर, देखो जगह पे सीमित था, छोटे छोटे जगह पे हो रहा था, जैसे जंतिया में हो गया छोटा जगह पे, तो ये जो ट्राइबल रिवोल्ट हो रहा था छोटे छोटे जगह पे हो रहे थे, रीजनल कैरेक्टर थे, ये नेशनलिस्टिक स्ट्रगल नहीं था। ऐसा नहीं कि ये लोग देश बनाना चाह रहा था, इसको अपना जगह पे यदि इंक्रोच कर रहे तो अपना जगह के लिए लड़ रहे थे, और ऐसे बहुत सारे ट्राइबल्स जो अपने अपने जगह पे लड़ रहे थे। हाँ, ये चाहते थे कि या तो हम इंडियन यूनियन के अंदर ही हमको पॉलिटिकल ऑटोनॉमी दे दो, या फिर कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दो, मगर हमको चुपचाप रहने दो अपने जगह पे, तुम रूल करो ऊपर कोई मतलब नहीं, मगर हमको अपना जगह दो। अभी जानते हो ना कि शेड्यूल में प्रोटेक्शन है कि नहीं, संविधान में प्रोटेक्शन है ना, शेड्यूल 6 होगा आई थिंक, शेड्यूल 5 या 6 में शेड्यूल एरियाज को प्रोटेक्शन है कि नहीं। आसाम का बहुत सारा एरिया प्रोटेक्टेड है ना, नॉर्थ ईस्ट का बहुत सारा एरिया प्रोटेक्टेड है ना, जहाँ पे गवर्नर बहुत सारा अपना डिस्क्रिशनरी पावर यूज़ कर सकता है। तो फिर तो ये लोग चाह रहे कि ऊपर कुछ भी हो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको तुम या तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस दो या नहीं दो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर हमको अपना एरिया तक गवर्न करने दो। इसलिए ये नहीं कहोगे कि ट्राइबल का ये जो रिवोल्ट हुआ है देश को आज़ाद करवाने के लिए, नहीं ऐसा नहीं है, मगर यदि ब्रिटिश को चोट पहुंचता है तो देश को फायदा होगा इस चीज़ का, कि कॉमन एनिमी सबका क्या है, ब्रिटिश है, चाहे ब्रिटिश इधर से मार खाए चाहे उधर से मार खाए, फायदा तो इंडियन को ही होगा। समझ पा रहे हो ना? दूसरा देखो कॉजेस ऑफ रिवोल्ट, क्या कारण था फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स में इस तरह का होना। सिंपल बात है स्टूडेंट, कि जो फॉरेस्ट एरिया है उसका भी, और जो लैंड है उसका, वो दबाना चाहेगा ना, दुनिया भर का लॉ लाएगा और उसका एरिया को भी अपने अंदर करने का प्रयास करेगा ब्रिटिश लोग।
These movements were not forest-based or agrarian revolts, as these tribals were generally in control of land and forest areas. हाँ अच्छा सॉरी ठीक उल्टा बोल दिए हैं. मेन लैंड में प्रॉब्लम क्या था, मेन लैंड में फॉरेस्ट एरिया सब पूरा ऑक्यूपाई कर लिया. सुनो बच्चे लोग समझो इस चीज़ को. मेन लैंड में क्या है कि फॉरेस्ट पे पूरा इंटरफेरेंस था, लैंड पे पूरा इंटरफेरेंस था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इन लोग के पास जो फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट्स, जो फ्रंटियर ट्राइबल जो लोग सब है, इन लोग के पास क्या है तुम्हारा, इन लोग के पास अपना ही कंट्रोल है, लैंड है, फॉरेस्ट एरिया है, उस पर ब्रिटिश ने कोई चीज़ नहीं किया है. बात समझे. इसका दिक्कत क्या था, इसका दिक्कत था कि बाकी जो ब्रिटिश जो कर रहा था कल्चरली, आखिर नज़दीक तो पहुंच गया था, ज़मीन नहीं लिया ब्रिटिश ने, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में ज़मीन नहीं लिया, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का इक्वेशन कुछ और है. नॉर्थ ईस्ट उधर अहोम है, इधर बर्मा है, मैं आसाम के साथ तो बुरा कर देगा. हम जानते हैं कि आसाम में तो, आसाम में कैसे गया, फिर आसाम में प्लांटेशन बनाया ना टी का, अब बाद में बोला गया कि फर्स्ट बर्मा वॉर होगा तो फिर आसाम को लौटा दिया जाएगा, आसाम को छोड़ दिया जाएगा. मैं ब्रिटिश ने ऐसा प्रॉमिस कंप्लीट नहीं किया अपना, समझ पा रहे हो ना. तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मेन लैंड जो ट्राइबल जो कॉज था, तो उसमें क्या कि जल और ज़मीन को ले लिया गया, बट इसमें ऐसा नहीं हुआ. इसमें ज़मीन और जंगल को नहीं लिया गया. कोई कि जंगल और ज़मीन को क्यों नहीं लिया, क्योंकि बाबू वो एग्रीकल्चर वाला चीज़ ही नहीं था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं होता है. हाँ आसाम देखोगे ऐसा नॉर्थ ईस्ट एरिया है जहाँ पर होता है, तो जहाँ पर होता है वहाँ तो डिस्टर्ब करेगा ब्रिटिश, मैं जहाँ पर नहीं होता तो वहाँ पर डिस्टर्ब नहीं करेगा, समझे. तो देखो वहाँ पे समझो अच्छे से. दिस मूवमेंट्स वेर नॉट फॉरेस्ट बेस्ड, यानी कि जो मूवमेंट हुआ वो फॉरेस्ट बेस्ड नहीं है, ना ही एग्रीगेरियन रिवोल्ट है, क्योंकि जो ट्राइबल्स है जनरली अपना लैंड को कंट्रोल रखे, फॉरेस्ट एरिया को भी कंट्रोल में रखे हैं. द ब्रिटिश एंटर द नॉर्थ ईस्ट एरियाज मच लेटर देन द नॉर्थ फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज, यानी कि नॉर्थ ईस्ट एरियाज में जो ब्रिटिश आया बहुत बाद में आया है, पहले जो आया था वो मेन लैंड में ही आया था, इंडिया का जो मेन लैंड है वो झारखंड वाला वो सब एरिया में. अब यहाँ पे समझो तो प्रॉब्लम क्या है इसको फिर, तो इंटरफेरेंस इन देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशन. देखो ये तो होगा ही ना, इंटरफेरेंस तो करेगा ही करेगा. अब देखो जब कोई इंटरफेरेंस करे तो आप अपने कस्टम्स को बचाने के लिए मूवमेंट तैयार करोगे ना, ताकि आपका जो कस्टम्स है, आपका ट्रेडिशन वो इंटैक्ट रह सके, वही चीज़ आगे बढ़ सके. जैसे मान लो कि हिंदुइज्म में कुछ खराबी आ गया, तो कोशिश करोगे ना जो खराबी आ गया उसको हटाया जाए, फिर हिंदुइज्म जो पहले वाला था उसी चीज़ को आगे किया जाए. जैसे फराजी मूवमेंट जानते हो ना, जो हाजी तुल्ला ने किया था, उसमें भी तो इस्लाम डिग्रेड हो गया था, तो वो लोग कर रहे थे ना, इस्लाम में भी हम लोग पढ़े थे रिवाइवलिस्ट और रिफॉर्मिस्ट. तो यहाँ पे बात समझो कि ये लोग डिसंस्कृताइजेशन मूवमेंट शुरू किया ट्राइबल्स लोग सब. क्या होता है डिसंस्कृताइजेशन का मतलब, देखो बात समझो. संस्कृताइजेशन आज वर्ड पहले भी जिक्र हो चुका है इस क्लास में, जो बच्चे लोग यूट्यूब पर देखेंगे तो समझ जाओ संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है. कॉपी करना, किसी कास्ट का कॉपी करना ताकि उसको भी वही स्टेटस मिल सके. एग्जाम्पल मैं देता हूँ, ब्राह्मीण लोग जनों पहनते हैं ना, होली थ्रेड पहनते हैं ना, अब चूंकि वो होली थ्रेड पहन रहे हैं तो उसका स्टेटस थोड़ा अच्छा लगता है देखने में कि ब्राह्मीण है. तो अब इसको कॉपी करके जो मर्चेंट क्लास है, जो बनिया क्लास है, वो भी जनों पहन रहा है ताकि उसको भी रेस्पेक्ट मिल सके. इसको बोलते हैं संस्कृताइजेशन करना. जैसे लेविस वेडिंग हो रहा है ना, अब वो कॉपी कोई कर रहा है तो भी एक संस्कृताइजेशन ही है. जैसे कोई डाउडी ले रहा है ना, गलत चीज़ कर रहा है, तो वो भी एक तरह से संस्कृताइजेशन ही है. तो जो संस्कृताइजेशन हो रहा था, यानी कहने का मतलब जो ट्राइबल्स लोग भी मेन जो सेगमेंट के लोग हैं इंडियन सोसाइटी, उसको देख के अपना जो कस्टम कल्चर जो छोड़ रहे थे, उसके विरोध में मूवमेंट चल रहा है. किसके द्वारा, ट्राइबल के द्वारा, ताकि उसका अपना कस्टम्स ही चले आगे. आया समझ में, कोई कन्फ्यूजन तो नहीं हुआ. यानी कि ऐसा मूवमेंट चल रहा है कि जिसके वजह से डिसंस्कृताइजेशन जो हुआ है, मतलब जो संस्कृताइजेशन हुआ ऐसा ना हो, डिसंस्कृताइजेशन हो, यानी कि ट्रैवल्स फिर से वही कस्टम्स ट्रेडिशन को फॉलो करें जो पहले फॉलो करते थे. क्योंकि ब्रिटिश जहाँ जहाँ घुसेगा वहाँ वहाँ कल्चर बर्बाद कर देगा. तो ट्रैवल के जो मुखिया होंगे, जो ट्रैवल के रिवोल्ट होंगे, वो क्या करेंगे, ट्रैवल के जो लीडर सब होंगे, तो वो क्या करेंगे कि ट्रैवल्स को बोलेंगे कि भाई डिसंस्कृताइजेशन करो, फालतू का तुम संस्कृताइजेशन करके अपना कस्टम्स खराब कर लिया, डिसंस्कृताइजेशन करो, फिर से ओरिजिनल अपना रूट पर जाओ, फिर से वही कस्टम्स और फॉलो करो. आया समझ में, देखो वही चीज़ है. तो डिसंस्कृताइजेशन मूवमेंट शुरू हुआ फ्रंटियर ट्राइबल्स में, ताकि जो ट्राइबल्स का अपना जो कल्चर है उस चीज़ को फॉलो कर सके. क्योंकि जानते हो ना, ब्रिटिश जहाँ जहाँ पहुँचेगा वहाँ वहाँ कल्चर बर्बाद करेगा, वहाँ वहाँ क्रिश्चियनिटी फैलाएगा, वहाँ वहाँ स्ट्रक्चर खराब करेगा उसका. एक एग्जांपल देखो, मेथीस जानते हो ट्राइबल्स लोग होते हैं. मेथीस ने एक मूवमेंट तैयार किया था जब उस समय महाराजा रूल था तुम्हारा 1891 और 1941, ये नॉर्थ ईस्ट का बात था.
तो इसमें यह था कि जो नियो वैष्णवाइट ब्राह्मण शब्द है, यानी कि वही हिंदुइज्म का जो ब्राह्मण, इसके वजह से जो असर पड़ा है ट्राइबल पे, ये ना पड़े। तो उधर रहे अपना हिंदुइज्म, अपने तरफ रहे, हमारा जो अपना जो कस्टम्स है, हमारा जो कल्चर है वो इंटैक्ट रहे, वही आगे बढ़े। हिंदुइज्म का भी जो, क्योंकि हिंदुइज्म में जानते हो कि समय समय पे बहुत कुछ नया नया रेवोल्यूशन सब आया है हिंदुइज्म में। हिंदुइज्म में नए नए चीज़ ऐड होते चले गए, जैसे जानते हो ना चैतन्य महाप्रभु भक्ति मूवमेंट है ना, गुरु नानक भक्ति मूवमेंट, कबीर जी भक्ति मूवमेंट। तो हिंदू में भी तो बहुत सारा रिनाउंसर्स आया है रिलीजन के नाम पे, जैसे आदि शंकराचार्य देखो साउथ इंडिया से बहुत बड़ा हिंदुइज्म में रिफॉर्म किए कि नहीं किए, समझ पा रहे हो बच्चे लोग क्या बोल रहे हैं। तो ये चीज़ ब्रिटिश, ये चीज़ ट्राइबल्स के अंदर ना आए, क्योंकि ट्राइबल्स अपने तरीके से ही जीना चाहेगा। अभी भी जाओगे बच्चे लोग, तुम भले तुम ये कह देते हो कि ट्राइबल्स हिंदू है, मगर तुम जाओ ट्राइबल्स का देखो तो पूजा पद्धति तुम्हारी तरह नहीं है उसका। वो अभी भी जंगल को ही पूजा कर रहा है, वो अभी भी ट्री को ही पूजा करता है, उसके लिए कोई भगवान नहीं है, जैसे हम लोग का घर में भगवान है। बात समझा करो, ये अलग बात है कि वो लोग भी हिंदू है, मतलब उनका प्रैक्टिस डिफरेंट है, समझ पाए। तो जो हिंदू का जो पूजा हो रहा है, जो हिंदू में नए नए चीज आ रहे हैं, उसका असर वहाँ नहीं पड़ना चाहिए, इसलिए एक मूवमेंट तैयार हो रहा है मेथिस के द्वारा। तो कहने का मतलब क्या कि वो अपना रूट को बचाना चाहता है, अपना कस्टम्स को ही फॉलो करना चाहता है, और ब्रिटिश या कह सकते हो कि जमींदार या कह सकते हो दूसरे वर्ग का आदमी वो यदि प्रभावित करेगा तो झड़प तो होना ही होना है, रिवोल्ट तो होना ही होना है, आमना सामना तो होना ही होना है। आया समझ में? तो ये सब इश्यूज थे इन लोग का, तो तरह तरह का रिवोल्ट होगा। चलो पहला रिवोल्ट देखते हैं स्टूडेंट, यहाँ से रिवोल्ट शुरू हुए। तो अभी तक जितना भी क्लास में हम लोग चर्चा की है ये 30 मिनट्स में, तो ये बैकग्राउंड तैयार कर रहे थे कि आखिर क्या ऐसा दिक्कत हुआ कि ट्राइबल रिवोल्ट हो गया। कुछ तो रीज़न रहा होगा, चाहे वो मेनलैंड में हुआ हो चाहे वो फ्रंटियर पे हुआ हो। तो सबसे पहले बच्चा लोग देखते हैं हम लोग ईस्टर्न इंडिया में। हाँ, ईस्टर्न इंडिया का मतलब वो आपका मेनलैंड ही है, ये नॉर्थ ईस्टर्न नहीं है, ईस्टर्न है। तो झारखंड उड़ीसा बंगाल वाला साइड में हम लोग देखने जा रहे हैं। जो बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो कह सकते हो अपराइजिंग जो हुआ है, वही जो रेबिलियन जो हुआ है वो खासी अपराइजिंग हुआ है। अच्छा सॉरी, आई एम सॉरी, ये गारो में हुआ है, ये तुम्हारा फ्रंटियर में हुआ है। फ्रंटियर गारो जनता हिल जानते हो ना, मेघालय वाला, ये फ्रंटियर में हुआ है। फ्रंटियर हम दोनों को मिक्स करके पढ़ने वाले हैं, कुछ हम लोग मेनलैंड भी देखने वाले हैं। ए इधर ध्यान दो, हम लोग मेनलैंड भी देखने वाले हैं और कुछ हम लोग यहाँ पे भी ट्राइबल वाला भी देखने वाले हैं। जो पहला जो टॉपिक ले रहे हैं हम लोग वो ट्राइबल का देखने जा रहे हैं, और ट्राइबल का क्या प्रॉब्लम था तो वो भी जानते हो तुम लोग, तो उस प्रॉब्लम को भी दिमाग में लेकर चलना है कि ट्राइबल्स को लेकर क्या दिक्कत था। देखो खासी अपराइजिंग कब हुआ, ये 1829 और 1832 में। तो खासी जानते हो कि हिल ट्राइब्स लोग हैं, जो गारो और जनतिया जो रीजन है बीच में, जानते हो गारो जनतिया ये इंपॉर्टेंट हिल्स है मेघालय का भी का। तो यहाँ पे लोग सब रहते थे, ये ट्राइबल लोग सब रहते थे, खासी लोग रहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी, देखो बच्चे लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एक रोड बनाना चाहते थे, क्योंकि जानते हो कि आसाम कंट्रोल था, तो आसाम कंट्रोल है तो अपना ट्रेड एंड कमर्स करने के लिए वो अपना रोड बनाना चाहेगा, हाईवे बनाना चाहेगा, जो बात है। तो एक रोड बनाना चाहता था ताकि ब्रह्मपुत्र वैली, असम वाला वैली, वो सियल हेड से जुड़ सके। सियल हेड एक जगह का नाम है जो कि उसी के आसपास है। तो ब्रह्मपुत्र वैली और सियल हेड वो रोड उसको जोड़ सके और व्यापार इसका हो सके, इसलिए ब्रिटिश चाहता था। तो इसका मतलब क्या हो, इधर देखो, जब तुम रोड स्ट्रक्चर बनाओगे इसका मतलब क्या होगा कि बहुत सारा फॉरेस्ट कटेगा, बहुत सारा लैंड जाएगा, तो विद्रोह होगा ना, विद्रोह होगा। अभी भी देखते हो ना कि यदि सरकार कोई हाईवे बनाती है तो कितने लोग का ज़मीन चला जाता है, यदि कोई अभी रेलवे लाइन यदि नया पास हो तो कितने लोग का ज़मीन चला जाता है, समझ पा रहे हो ना। तो उसी तरह देखो, जब ईस्ट इंडिया कंपनी एक रोड बिल्ड करना चाहती थी, ब्रह्मपुत्र वैली और सियल हेड को वो लिंक करना, ज्वाइन करना चाहती थी, तो जाहिर सी बात है बहुत सारा ज़मीन जाएगा। और उतना ही नहीं, आउटसाइडर लोग आएंगे, इंग्लिश मैन आएंगे वहाँ पे, बंगाली लोग आएंगे, लेबर्स आएंगे, और जब ये आएंगे तो जानते हो शोषण करेगा ये लोग, और ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होगा इन लोग को, नॉर्थ ईस्ट वाले लोग को, यानी कि ट्राइबल्स लोग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए एक ओपन रेबिलियन हो जाता है 1783 में, बहुत पहले की बात है। खासी अपराइजिंग भले ही तुमको 1829 और 1832 में दिखे, मैं इसका हम्बल बिगिनिंग बहुत पहले ही हो चुका है, पहले भी हुआ है, देख रहे हो ना। तो सबसे पहले जो हुआ वो 1783 में हुआ, याद करो बच्चे लोग, 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ, और 1764 में तुम्हारा बक्सर हुआ, और 65 में ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद हुआ। तो वो समय और 83 कोई बहुत लंबा गैप नहीं है, उस समय ब्रिटिश लोग क्या कर रहा है, एक्सप्लोर कर रहा है एरिया को, समझे। और देखो रिटेलिएशन में क्या करेगा ब्रिटिश, तो ब्रिटिश पूरा गांव को जला दिया, विलेजेस को जला दिया, और इकोनॉमिक ब्लॉकेट कर दिया। इकोनॉमिक ब्लॉकेट मतलब क्या है,
कि जीना ही हराम हो जाएगा, मार्केट ही बर्बाद कर देगा ये लोग का, जो ये लोग कमाता था, खाता था, पीता था। याद करो बच्चे लोग, नेपोलियन ने भी इकोनॉमिक ब्लॉकेट किया था ना इंग्लैंड को, ताकि इंग्लैंड को अलग थलग कर दिया जाए यूरोप से। तो ये लोग इकोनॉमिक पाबंदी लगा, कह सकते हो कि सेंक्शन टाइप का लगा दिया गया। तो अब यहाँ पे देख सकते हो तुम लोग, तो इन द ईयर 1832 काशी चीफ सरेंडर एंड 1833 तिरुत सिंह सरेंडर एंड द रिवोल्ट वॉज दस क्रस्ट। हम्बल बिगिनिंग बहुत पहले ही हो गया था, बट 1829 से लेकर 32 यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही फाइट हुआ ब्रिटिश के अगेंस्ट, और उसमें से ये जो तिरुत सिंह है स्टूडेंट, बहुत तिरुत सिंह और गंगा सिंह बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो UPSC सवाल कैसे पूछता है कि खासी अपराइजिंग में कौन लीडर थे, यह खासी अपराइजिंग कब हुआ था, ये इन्फॉर्मेशन तुम लोग होना, यह कहाँ पे हुआ था। जो जंतिया और गारो हिल्स याद रखो तुम लोग, नंबर वन पॉइंट, इसमें जो लीडर इन्वॉल्व है तिरुत सिंह और गंगा सिंह, है ना। और हाँ, और किसके अगेंस्ट हुआ तो जान ही रहो, ब्रिटिश के अगेंस्ट ही होगा ये, और ये ट्राइबल मूवमेंट है, समझ गए। आगे देखो, अहोम रिवोल्ट, बिल्कुल मैं इसी का चर्चा कर रहा था उस समय। अहोम रिवोल्ट आसाम हुआ, क्योंकि आसाम रीजन जानते हो अहोम किंगडम के अंदर आता था, है ना। ऐसा वो किंगडम बहुत पावरफुल था, इनफैक्ट उसके एक जनरल ने औरंगजेब का सेना भी हरा दिया था, बहुत तगड़ा। और मुगल यहाँ तक नहीं आए, कोशिश तो कर रहे थे, मगर मुगल को आने नहीं दिया गया आसाम में, मगर ब्रिटिश तो पहुँचा है, हर जगह पहुँचा है ब्रिटिश, ब्रिटिश ज़्यादा पावरफुल है, बात समझो। तो अहम देखो, अहम ने क्यों रिवोल्ट किया, ऐसा क्या बात हुआ, क्योंकि ब्रिटिश ने प्लेज दिया था, शपथ दिया था स्टूडेंट, कि जब फर्स्ट बर्मा वार हो जाएगा, यदि आसाम सपोर्ट करेगा, तो फर्स्ट बर्मा वार के बाद आसाम को इंडिपेंडेंट कर दिया जाएगा। मगर ब्रिटिश खोना नहीं चाह रहा था आसाम को, क्यों, असम बहुत ही फर्टाइल एरिया है, ब्रह्मपुत्र बहती है ना वहाँ से, तो प्लांटेशन के लिए तो बहुत बेजोड़ जगह है वो। तो देखो, जब ब्रिटिश लौटाएगा नहीं, ब्रिटिश नहीं लौटाएगा असम को, असमिस पीपल को, तो विद्रोह होगा ना, वही विद्रोह क्या है तुम्हारा, अहम रिवोल्ट है। समझ गए ना, 1828 और 1833 के बीच में हुआ है इसमें, देखो वही देखो, तो इनको अभी भी याद किया जाता है। हाँ, शिवा सागर टाउन में देखो इनका भी स्टैचू लगा हुआ है स्टूडेंट, अहम वॉरियर्स का, और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो वॉरियर्स थे जिनका अभी भी नाम अमर है वहाँ पे, वो है तुम्हारा गोमधार कोनवार। तो गोमधार कोनवार बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे अहम रिवोल्ट के, आया समझ में ना। हाँ, तो क्यों रिवोल्ट हुआ था, कॉज क्या है, समझ गए, इसके जो इम्पॉर्टेंट लीडर कौन है समझ गए, और किस पीरियड में हुआ था, बिल्कुल, और किस जगह पर हुआ था, ये सब समझ होना चाहिए। हाँ, आसाम का, बिल्कुल, ब्रह्मपुत्र वैली कह सकते हो। यहाँ पे देखो, कोल अपराइजिंग, कोल, बिल्कुल, कोल मतलब वही ट्रेवल्स लोग हैं जो कि छोटा नागपुर में रहते हैं। छोटा नागपुर कहाँ है, झारखंड वाला एरिया में है ना। अब यहाँ पे क्या हुआ, देखो बात समझो, बुड्ढो भगत, हाँ बुड्ढो भगत कितना फेमस पर्सनैलिटी है। हुआ क्या स्टूडेंट, कि जब लोग जब बाहर से देखो ब्रिटिश, अब देखो मेनलैंड में आ गए हम लोग, ठीक है, अभी देखो ऊपर बात कर रहे थे, नॉर्थ ईस्ट का बात कर रहे थे, फिर मेनलैंड में, इसलिए दोनों को कंबाइन करके दिया गया है। अजान तो मेनलैंड का अपना ही समस्या है। अब देखो स्टार्ट का प्रॉब्लम क्या हुआ, कि जब देखो कि जो कोल हेडमैन है, यानी कि कोल के पास जो अपना ज़मीन था, वो ज़मीन जो ट्रांसफ़र कर दिया गया तुम्हारा हिंदू को, सिख को, मुस्लिम फार्मर्स को, क्यों, क्योंकि चाहता था कि ये लोग एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ करें, ताकि इनपुट तैयार होगा, फिर ब्रिटिश ले जाएगा वहाँ पे, क्योंकि मेन ट्राइबल लैंड में क्या हो गया, ज़मीन ले रहा था ना एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करने के लिए, नॉर्थ ईस्ट में तो ज़मीन नहीं ले रहा था, क्योंकि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रैक्टिस उस तरह नहीं हो सकता। आसाम वाला एरिया में प्लांटेशन हुआ, वो दूसरा विषय है, समझ पा रहे हो ना बात को। तो कोल रीजन क्या है तुम्हारा, छोटा नागपुर वाला जगह है, वहाँ पे ज़मीन ले लेके जो कोल का हेडमैन का, यानी कि कलेक्टिव होगा नहीं, लोग का ट्राइबल का ज़मीन किस तरह होता है, कलेक्टिव ओनरशिप होता है, जो हेड है उसका ज़मीन लेके दूसरे मुस्लिम को, हिंदू का, जितना दूसरा पीजेंट है उसको आउटसाइडर को दे रहा है, होगा बगावत होगा। और दूसरी बात क्या है देखो वहाँ पे, और ये जो मनी लैंडर्स लोग सब है, ये बताओ हैवी टैक्सेस लगा रहे थे अपना ही ज़मीन पे उसका टैक्सेस, देखो। तो ब्रिटिश जुडिशियल एंड रेवेन्यू पॉलिसी बैडली अफेक्टेड द ट्रेडिशनल सोशल कंडीशन ऑफ द कोल्स, बोले ना, इंस्टीट्यूशन ही लगा हुआ है शोषण करने के लिए, जितना भी ब्रिटिश अपना लेजिस्लेशन लेके आया, लॉ लेके आया, या ब्रिटिश का जो भी जुडिशियरी सिस्टम था, सब मिल के शोषण कर रहा है ऐसे ट्राइबल्स लोग का। तो क्या होगा, लार्ज स्केल मिलिट्री, देखो पूरा फाइट होगा, बगावत होगा। अब बाद में ये अलग बात है कि ब्रिटिश ही जीतेगा, क्योंकि ब्रिटिश के पास सेना है यार, ब्रिटिश के पास टेक्नोलॉजी है ना, ब्रिटिश के पास वेल एडवांस इक्विपमेंट सब है, तो बहुत, मगर
आफ्टर लॉन्ग लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन के बाद ये जो कोल अपराइजिंग है उसको शांत किया गया है। तो अभी भी इतिहास याद रखता है बुद्धो भगत का कंट्रीब्यूशन को। तो कोई पूछेगा कि बुद्धो भगत कौन से अपराइजिंग से, कौन सा ट्राइबल रिवोल्ट से रिलेटेड है, तो बताना कोल। और कोल कहाँ है, या कोल हाँ छोटा नागपुर रीजन में। पूछता है बुद्धो भगत, बहुत ही कह सकते हो कि इम्पोर्टेंट लीडर है यूपीएससी के कॉन्टेक्स्ट में। यूपीएससी में कई बार बुद्धो भगत के बारे में पूछा जा सका है। तुम जाके चेक करोगे, तुम 1990 से पेपर देखोगे तो बुद्धो भगत के बारे में कितना बार सवाल पूछ चुका है। आगे देखो फराजी मूवमेंट, ये पहले भी पढ़ चुके हैं इनके बारे में हम लोग। वही फराजी मूवमेंट जो हाजी सरतुल्ला ने किए थे, और इनका जो बेटा है दुदू मियां ने इसी को आगे कैरी किया था। तो दुदू मियां जब कैरी किए थे तो ज़्यादातर वो एग्रीगेरियन इशू था, एग्रीकल्चर का ही, पिजन का ही इशू था, उसी कैरी किए थे। ये पहले भी पढ़ चुके हैं बच्चे लोग, हम लोग याद होना चाहिए। सरतुल्ला को लगा कि इस्लाम बहुत ही डिग्रेड हो गया है ब्रिटिश इन्फ्लुएंस के अंदर, तो इस्लाम को पहले वाला इस्लाम बनाना है, इस्लाम को प्योर बनाना है, जो हदीद में लिखा गया है, जो कुरान में लिखा गया उस तरह का इस्लाम को फिर से रिवाइव करना है, तो लड़ेंगे ये, है ना। ये पैरेलल गवर्नमेंट भी बना लेते हैं उस समय, है ना। कालीपास को कमिश्नर बना देते हैं विलेजेस सबका, उसका काम है फंड को उठाना, और कोई भी विलेज के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उसको सॉल्व करना, समझे। इसका अपना एक स्मॉल आर्मी भी बन गया था स्टूडेंट, जो जमींदार को या फिर जो प्लांटर्स लोग हैं उसको अटैक कर रहे थे। तो कहने का मतलब है बहुत बड़ा व्यवस्था बना लिए थे ये, ठीक है। जब इनका डेथ हुआ, इनका जो पुत्र है दुदू मियां वो लीडर बने इस मूवमेंट का। हाँ, दुदू मियां के टाइम में अधिकतर जो इशू है वो एग्रीकल्चर एग्रीगेरियन इशू ही उठाया गया, यानी कि फार्मर का समस्या को ही उठाया गया। मैं जानते हो कि जब दुदू मियां का भी निधन हुआ 1862 में, तो ये जो मूवमेंट है पूरी तरीके से ठप पड़ गया। आया समझ में ना। तो देखो इसमें क्या बोला गया कि दुदू मियां ने कहा कि अपने फॉलोअर्स को कहा कि रेंट देने की ज़रूरत नहीं है अपने ज़मीन पे, और जो भी इंडिगो प्लांटर्स है, जो भी यूरोपियन प्लांटर्स है वो बोल रहा है आपको करने के लिए, तो ओबे करने की ज़रूरत नहीं है, बात मानने की ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से रिवोल्ट हुआ था। ये अलग बात है कि फिर रिवोल्ट को दबा दिया गया, क्यों, क्योंकि दुदू मियां जैसे ही मरे रिवोल्ट ख़त्म हो गया। हाँ, ये मूवमेंट जो हाजी सरतुल्ला ने तैयार किया था, ये मूवमेंट इसमें क्या था, मेन चीज़ क्या था कि जो सरतुल्ला जो इस्लाम के बारे में सोचते थे, प्योर इस्लाम के बारे में सोचते थे, उसको रिवाइव करना, नंबर टू, और हर मुस्लिम को ही अपना फ़र्ज अदा करना चाहिए। फ़र्ज अदा करने का मतलब क्या है, अपना रिलीजियस ड्यूटी निभाना चाहिए, वही नमाज वगैरह ठीक टाइम पर पढ़ना चाहिए, और भी बहुत सारा प्रैक्टिसेस ठीक टाइम में करना चाहिए। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश जो आया है तो उसका जो सोशल फैब्रिक है वहाँ पर भी इम्पैक्ट पड़ा है, यानी कि केवल ट्राइबल में ही इम्पैक्ट नहीं पड़ा है, इस्लाम के अंदर भी इसने इम्पैक्ट डाला है, हिंदू को तो प्रभावित किया ही किया है। आ रहा है समझ में। हाँ, द मूवमेंट गेन पॉपुलैरिटी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल मेनली अमंग द मुस्लिम्स इन बंगाल। बंगाल रीजन में काफ़ी मुस्लिम्स के बीच में काफ़ी फेमस हो गया था ये तुम्हारा फराजी मूवमेंट। टाइम पीरियड याद करना होगा 1840 से लेके 1870 तक। संथाल रेबेलियन, देखो सिद्धू और कानू है, ये भी यूपीएससी का सबसे फेवरेट रिवोल्ट है। ये भी बहुत बार बुद्धो भगत पूछे ना कोल अपराइजिंग का, सिमिलरली ये भी बहुत पूछे हैं। मुर्मू ब्रदर्स है, तुमको मुर्मू जरूर याद होना चाहिए। अभी हमारे जो देश के राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू है, बिल्कुल उसी समाज से आते हैं। हाँ, ट्राइबल्स, संथाल ये एग्रीकल्चर पीपल है, वही किसान लोग हैं जो कि राजमहल हिल्स में सेटल्ड है। राजमहल हिल्स वही झारखंड और बंगाल के बीच का एरिया है, समझे ना। हाँ, इसमें देखो चार मुर्मू ब्रदर्स, नाम क्या क्या है इनका, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव, चारों मिलके ठीक है लड़े हैं किसके अगेंस्ट, जो गलत जमींदारी सिस्टम था, जहाँ पे गलत तरीके से पैसा उठाया जा रहा था, शोषण किया जा रहा था पीजेंट सबका, ट्राइबल सबका, उसके अगेंस्ट लड़े हैं, समझ गए ना। मनी लैंडर्स को तो पुलिस का सपोर्ट होगा ही ना, क्योंकि ब्रिटिश का सपोर्ट है ऊपर से, समझ गए ना। तो हाँ बताओ, पुलिस यदि मिल जाए जमींदार के साथ, जो कि जमींदार खुद ऑपरेसिव है, तो पीपल का क्या होगा, लोगों का क्या होगा, लोगों का बुरा हाल हो जाएगा ना, वही हुआ है देखो। तो मनी लैंडर्स समझ रहे हो, जो पैसा उपया देता है और फिर वो फंसा देगा उसको पॉवर्टी में, तो मनी लैंडर के साथ पुलिस जुड़ गया। अब बाद में देखो वही मनी लैंडर्स, पुलिस, जमींदार सब ज्वाइन करके बच्चे लोग पीजेंट्स का हालत ख़राब कर दिए, पीजेंट मूवमेंट को पूरा ठप कर दिए। बाद में गुस्सा आया और बोला कि जो इसका सबका गढ़ एक ही है वो ब्रिटिश है, तो ये कहाँ बगावत जो तैयार हुआ था जमींदार के विरोध में, है ना, आउटसाइडर के विरोध में,
ये तुम्हारा फुल कन्वर्ट हो गया ब्रिटिश के विरोध में, क्योंकि आखिर ब्रिटिश के वजह से ही तो ये सिस्टम क्रिएट हुआ। तो देखो वो क्या बन गया, एंटी ब्रिटिश मूवमेंट बन गया बाद में जाके। हाँ ये अलग बात है, इस रेबेलियन को 1857 से पहले एक साल पहले इसको दबा दिया गया। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे लोग 1857 का भी जो रिवोल्ट हुआ अचानक नहीं हो गया है, भूमिका तैयार हो रहा है पहले, समझे ना। और 1857 रिवोल्ट तो बहुत बड़ा रिवोल्ट माना जाएगा भारत के लिए, पहला रिवोल्ट माना जाएगा इंडिपेंडेंस के लिए एज पर बीडी सावरकर। तो भले ही 1856 में इसको सप्रेस कर दिया हो, जानते हो खुन्नस रहेगा ब्रिटिश के अगेंस्ट। हाँ अब देखो, अब बिल्कुल बिल्कुल मैं इसी का चर्चा कर रहा था उस समय भी, कि देखो आखिर ये लोग एक कमेटी बनाया और ये लोग सोचे कि भाई क्या बात है, ट्रैवल्स में ट्रैवल्स मरने के लिए तैयार है अपने ज़मीन के लिए, ऐसा तो कहीं दूसरी जगह नहीं देखे हम, ऐसा क्या बात है कि ज़मीन को लेके ये क्या, इतना एफिलेशन तो नहीं देखे हम। तो जब कमेटी बना तो पता चला कि देखो ट्रैवल्स के लिए ज़मीन का मतलब केवल प्रॉपर्टी ही नहीं है, उसके लिए जीवन है, उसके लिए इमोशन है, उसके लिए वो मदरलैंड है। जब ये ब्रिटिश को रियलाइज हुआ तो ब्रिटिश भी थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, ब्रिटिश भी सॉफ्ट हुआ है। अब ब्रिटिश को सॉफ्ट होना भी पड़ता, क्यों, कितना दिन तक लड़ोगे यार किसी से, आपका ही व्यवस्था खराब हो जाएगा। तो उसके फलस्वरूप देखो संथाल परगनास टेनेंसी एक्ट बना। अब ये संथाल, ये जो संथाल परगनास, परगनास समझते हो ना एरिया, संथाल वाला जो एरिया है उसके लिए एक्ट बना है, टेनेंसी एक्ट। अब इसमें कैटेगरिकली क्या बोला गया था कि ट्राइबल्स का जो ज़मीन है वो नॉन ट्राइबल्स को नहीं दिया जाएगा, यानी कि सुरक्षित कर दिया गया ट्राइबल्स का पीपल का जो ज़मीन है। लोग खुश हो जाएगा ट्राइबल्स वाले लोग सब। और इस तरह का एक्ट भारत में अभी भी है। तो अभी तुम ट्राइबल्स का ज़मीन तुम झारखंड में, उड़ीसा में, जहाँ जहाँ ट्राइबल्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, छत्तीसगढ़ में तुम नहीं खरीद सकते वैसे। हाँ वो यदि गिफ्ट में दे दे तो विषय दूसरा, आया समझ में। तो कह सकते हो कि इन लोगों का संघर्ष रंग लाया है, ब्रिटिश का भी दिल पिघला है और ब्रिटिश भी उस तरह का एक्ट बनाया है। हाँ यदि संथाल रेबिलियन का बात होगा तो रिवोल्ट लीडर्स कौन याद आएंगे तुम लोग, वही चार मुर्मू ब्रदर्स, समझे, सिद्धू कान्हू चांद और भैरव। तो पूछ लेगा तुमको कि सिद्धू कान्हू चांद और भैरव कौन से अपराइजिंग से, कौन से रेबिलियन से, कौन से रिवोल्ट से रिलेटेड है, तो क्या बताओगे, संथाल रीजन। इसी रीजन से हमारे कह सकते हो यही ट्राइबल ग्रुप से हमारे द्रौपदी मुर्मू प्रेसिडेंट भी आती है, तो और रिलेवेंट हो जाता है ये चीज़ आपके लिए। मुंडा रेविलियन, मुंडा भी ट्राइबल का नाम है बच्चे लोग। अब मैं तो इसको पढ़ाने में मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मुंडा बहुत कॉमन है झारखंड में, तुमको मुंडा ट्राइबल बहुत मिलेगा, हमारा दोस्त लोग बहुत सारा है इसमें, ठीक है। मुंडा, बिरसा मुंडा, ओड़ाओं, ओड़ाओं हो गया, मुंडा हो गया, तिग्गा हो गया, सब ट्राइबल्स सब है लोग। देखो बिल्कुल छोटा नागपुर रीजन में ही हुआ इस तरह का मुंडा अपराइजिंग। हाँ पीरियड याद होना चाहिए आप लोग को, 1899 और 1900, कह सकते हो एंड ऑफ द कौन सा सेंचुरी है, 19th century। हाँ समझे, 19th century के एंड में हुआ था इसी रिवोल्ट को, रांची में हुआ जी, रांची में रांची में, ठीक है। देखो इसी रिवोल्ट को बोलते हैं हम लोग उल गुलान कहते हैं। उल गुलान का मतलब होता है ग्रेट रिवोल्ट। UPSC में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि उल गुलान किस कॉन्टेक्स्ट में था, रिवोल्ट है वो, ट्राइबल रिवोल्ट है, समझे। उल गुलान का मतलब होता है वही ट्राइबल का भाषा है, मुंडा का भाषा है वो, उल का मतलब ग्रेट रिवोल्ट। अब देखो क्यों हुआ रिवोल्ट, इसमें कुछ कुछ वर्ड्स आएंगे वो इंपॉर्टेंट है UPSC कॉन्टेक्स्ट में, जैसे दिकूस, मैं कई बार जिक्र कर चुका हूँ ना दिकूस का। दिकूस का मतलब आउटसाइडर, चाहे वो जमींदार हो, चाहे मनी लेंडर हो, चाहे मर्चेंट क्लास हो, सब बाहर से लोग को ला के बसाया गया ना ब्रिटिश के द्वारा, ताकि ब्रिटिश का जो कमर्शियल जो इंटरेस्ट है, कमर्शियल जो वेस्टेड इंटरेस्ट है वो पूरा हो सके। तो यहाँ पे देखो जो मेन रीजन था इस रिवोल्ट का कि बाहर के लोग सब जो थे दिकूस लोग, आउटसाइडर लोग, न्यू लैंडलॉर्ड्स, ठेकेदार्स, मनी लैंडर्स, वो आके जो मुंडास लोग का जो व्यवस्था था सेटलमेंट, उस सेटलमेंट को क्या बोलते हैं, कुंथी खटी। कुंथी खटी मतलब वही तुम्हारा कलेक्टिव ओनरशिप, मुंडा भाषा में कुंथी खटी का मतलब होता है कलेक्टिव ओनरशिप। ट्राइबल का अपना कलेक्टिव ओनरशिप है ना, उसको बाहर के लोगों ने आके तोड़ा है, बगावत होगा, संघर्ष होगा। दो चैलेंज देखो जो बाहर से लोग आए हैं, दो चैलेंज हुआ। फर्स्ट चैलेंज क्या है कि जो एग्रीकल्चर जो प्रैक्टिस होता था वो ब्रेक डाउन। दूसरा कल्चरल चेंज, उसका जो कल्चर था, कल्चर क्या था, कलेक्टिव ओनरशिप वाला, तो उसको चेंज किया। दूसरी बात है कि आपने जिसका ज़मीन है उसी को लेबर बना दिया आपने, ब्रिटिश यही तो किया है,
जो जमीन का मालिक है उसको लेबर बना दिया, उसी जमीन में आप खटवा रहे हो, वेरी बैड ना। इससे बड़ा एक्सप्लोटेशन कुछ नहीं हो सकता है विद्यार्थी लोग, बात समझो। बिरसा मुंडा, देखो बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा कहा जाता है ना, हाँ भगवान बिरसा कहा जाता है, हमारे प्रधानमंत्री भी भगवान बिरसा कहते हैं इनको तो। और जब भी झारखंड जाते तो सबसे पहले इनको ही पैर छूते हैं, मोदी जी भी और बड़े लीडर भी। भगवान बिरसा मुंडा बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी अभी भी है। और तुम जानते हो कि अभी के जो CM है, क्या नाम है, हेमंत सोरेन है ना, कहीं ना कहीं इस रूट से जुड़े हुए हैं, इस लाइन से जुड़े हुए हैं, मुंडा लाइन से। ठीक है, जाके थोड़ा सा नेट पे चेक कर लेना, कभी अभी नहीं, नेट पे कभी चेक कर लेना, समझ लेना कि अभी जो हेमंत सोरेन है उनका क्या लिंक है मुंडा से, मुंडा या कहीं ट्राइबल से बिल्कुल लिंक है, जिसके वजह से उनको रिकॉग्निशन मिलता है। इसी रीजन से वो अभी CM बने हुए हैं। हालांकि उनके फादर भी CM थे, जानते हो, शिबू सोरेन नाम था, उनके ऊपर आरोप भी है, तो विषय दूसरा है, उसको हटा दो साइड में। तो बिरसा और बहुत सारे मुंडास लोग बहुत सीरीज अब रिवोल्ट किए हैं, समझे, बहुत रिवोल्ट किए हैं। उसका देखो मुंडास क्या था कि मुंडा क्या कंटेंशन किया था कि भाई ये हम प्रोपराइटर है, ये जो ज़मीन है ये हम उसके प्रोपराइटर, ये हमको उसके मालिक हम हैं, समझे। और ब्रिटिश कैसे ले लिया और मिडल मैन को रख दिया एक्सप्लॉइट करने के लिए, तो झगड़ा तो होगा ही होगा, लड़ाई तो होगा ही होगा। और इसके जो लीडर बने हैं वो कौन है, बिरसा मुंडा है। तो सोचो स्टूडेंट, बिरसा मुंडा को पकड़ा गया 3 फरवरी 1900 में पकड़ा गया, और 9 जून 1900 में रांची जेल में ये मिस्ट्रीसिस तरीके से मरे हुए पाए गए। तो उस चीज़ को लेके बहुत बड़ा बात हुआ कि बिरसा मुंडा जो इतना फेमस आदमी है, इसको जेल में पकड़ के रांची जेल में डाल दिया गया। अच्छा, रांची से मुझे याद आ रहा है कि जो काई जो जे वो है पागलखाना है, वो भी ब्रिटिश ने ही बनाया था। तो तुम लोग के मन में ये होना चाहिए, देखो पागलखाना वहाँ बनता है जो मेंटल SLM है, वो वहाँ बनता है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही कूल हो। और हम जानते हैं कि रांची क्या है, प्लेटू रीजन है। तो अभी रांची का स्थिति ख़राब हो गया, मैं रिसेंटली रांची विजिट किया था, अभी स्थिति बहुत ख़राब हो गया वहाँ पे। मगर रांची देखोगे तो रांची एक हिली एरियाज है, और वहाँ पे टेम्परेचर एकदम लो रहता था, वहाँ पे 17 डिग्री 12 डिग्री 15 16 17 डिग्री, अभी तो वहाँ पे भी 30-40 डिग्री हो गया है। जंगल इतना कटा है तो ट्रैप हो जाएगा, ग्लोबल वार्मिंग हो जाएगा वहाँ पे। मगर ब्रिटिश ने वहाँ पे सबसे बड़ा यदि मेंटल SLM खोला है, पागलखाना बनाया है, तो इसी रीजन से, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत अच्छा है। अब बहुत गर्मी वाला जगह पर आप नहीं बना सकते हो, क्योंकि जो रोगी होंगे, जो मस्तिष्क के जो रोगी होंगे, उनको भी तो कम्फर्टेबल वाला जगह चाहिए, और बहुत ही विशाल है, बहुत बड़ा है, सब ब्रिटिश का ही बनाया हुआ चीज़ है, समझा। और एक स्टेट गवर्नमेंट भी दो है वहाँ पे, जहाँ तक मैंने विजिट किया है, मैंने जो देखा है, दो है वहाँ पे, एक स्टेट गवर्नमेंट के अंदर है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, समझे। रांची का ही बात है स्टूडेंट, और जानते हो ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर रांची से ही गुजरती है, झारखंड में रांची से, कर्क जिसको रेखा कहते हैं हम लोग। आगे देखो पाइका रेबेलियन, देखो ये तो गजब बात, मैं इस पे बिल्कुल फोकस होना चाहिए पाइका रेबेलियन पे। क्यों, भारत सरकार कुछ साल पहले, 3-4 साल पहले एक कोइन इशू की थी, कोइन और पोस्टेज स्टैम्प इशू की थी पाइका रेबेलियन के ऊपर। और भारत सरकार ने ये भी कहा था कि NCERT में थोड़ा संशोधन किया जाएगा, और आने वाले समय में बच्चे लोग को ये पढ़ाया जाएगा कि पाइका रेबेलियन एक्चुअली फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था ना, बल्कि रिवोल्ट ऑफ 1857, मतलब उस समय प्रपोजल रखा था। वो बाद में देखेंगे NCERT कितना उसको स्वीकार करता है, उसको कैरी करता है, वो अलग बात है। मगर भारत सरकार ने इस बात को रखा था उस समय, 3-4 साल पहले की बात है, समझ पा रहे हो स्टूडेंट। देखो हिस्ट्री में भी करंट अफेयर्स आ जाता है कई बार, बात समझो। तो यहाँ पे देखो क्या ये पाइका है, क्या ये सब ट्राइबल्स लोग सब है, समझे। अब ओडिशा को भी छोड़ेगा नहीं, ओडिशा का रीजन है, ओडिशा को भी तो ब्रिटिश छोड़ेगा नहीं, ओडिशा भी तो बहुत इंपॉर्टेंट लैंड है। तो हुआ क्या, देखो अभी अभी का करंट अफेयर्स का देख लो ऊपर का, कि गवर्नमेंट ने प्लानिंग किया देखो वही कोइन और पोस्टेज स्टैम्प को रिलीज करने का इन द मेमोरी ऑफ पाइका रेबेलियन। क्योंकि पाइका रेबेलियन वही जब 2017 में 200 साल बीता 1817 में हुआ था ये रिवोल्ट, आया समझ में, 1817 में रिवोल्ट हुआ, 200 साल का मतलब क्या, 2017 में इस तरह का कोई इशू किया, ताकि लोग याद रखे कुर्बानी के, अपने जो ग्रैंडफादर ने जो कुर्बानी दिए थे पहले के लोग, उसको याद रखे बोल के कोई इशू किया था, और पोस्टेज इशू किया था सरकार ने। मैं यहाँ पे देखो कि उस समय कौन थे, बक्सी जगबंधु जिनको हम कहते हैं विद्याधर महापात्रा, संबित पात्रा सुने हो ना, बीजेपी का प्रवक्ता, तो सब कनेक्ट कर सकते हो कि ओडिशा का रीजन है ये, वो भी तो पूरी जगह से जीत के गए, इस बार लोकसभा के मेंबर बने हैं। तो
बक्सी जगबंधु के नेतृत्व में ये बहुत बड़ा जंग लड़ा गया था, समझे। कुर्द डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा का बात कर रहा हूँ मैं, कुर्द डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे ओडिशा में, वहाँ पे ये रिवोल्ट हुआ था। ऐसा खास क्या बात है कि यहाँ पे मोदी जी भी, गवर्नमेंट ने भी इतना फोकस किया इस रेबिलियन को, तो बात समझो। तुम लोग बच्चे लोग पिंडारी का इशू जानते हो ना, जस्ट लाइक पिंडारी का, पिंडारी टाइप का ही, नॉट एग्जैक्टली रिलेट कर पाओगे उस टॉपिक से। ये जो पाइकास लोग थे ये सब सिपाही थे, कभी मिलिटेंट ग्रुप के लोग थे, और इनको जमीन मिलता था किंग्स से। जैसे पहले क्या था कि वेतन नहीं मिला, यू गेट जमीन, और आपको टेक ओवर करना है, आपको उसको रखना है, और उससे आपको रेवेन्यू जनरेट करना है और रखना है, और सरकार को भी देना, मतलब रूलर को भी देना, इस तरह का व्यवस्था होता था, जिसको हम लोग फ्यूडल लॉर्ड सिस्टम कहते हैं, हाँ समानता सिस्टम भी कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, पाइकास लोग जो थे, वही लिखा गया है, ये ट्रेडिशनली लैंड वोइंग मिलेशिया थे ओडिशा के, यानी कि इसके पास अच्छा खासा लैंड हुआ करता था। ये लैंड किससे मिलता था? रूलर से मिलता था, और रूलर के लिए एज अ वॉरियर क्लास के रूप में काम करते थे। अब समझो बात को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी के आर्मी ने इस जगह को जीत लिया 1803 में, इस जगह कुर्द ओडिशा वाला जगह को, तो उस समय देखो वही राजा ऑफ कुर्द जो थे वो हार गए, हाँ, और पाइकास क्या है, पाइकास हट गया, क्योंकि पाइकास का रोल ही नहीं रहेगा, क्योंकि पाइकास हारने गया। जब उस समय का राजा जो हार गए, इसका मतलब पाइकास डिसबैंड हो जाएगा, वो जो आर्मी है, जो मिलिटेंट क्लास के लोग हैं, जो पास बहुत सारा ज़मीन है, वो ख़त्म हो जाएगा, उसका अब कोई रोल नहीं रहेगा, क्योंकि राजा ख़त्म हो गया, ब्रिटिश का सिंहासन हो गया वहाँ पे। तो ब्रिटिश एक कमेटी बनाएगी, वाल्टर ईवर के अंदर, और वाल्टर ईवर ये डिसाइड करेगा कि ये पाइकास के साथ क्या हो। तो देखो ये इतना गंदा रिकमेंडेशन देता है ये कमीशन, ये कहता है कि जो रेंट फ्री लैंड जो मिलता है पाइकास को, रूलर्स के द्वारा जो मिला है, उसको ले लिया जाए, उसको छीन लिया जाए। कौन लेगा? ब्रिटिश लेगा इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़मीन था पाइकास लोगों के पास, आई ज़मीन किस कौन देता था? रूलर देते थे। तो जब ये इस तरह का कमीशन का रिपोर्ट आएगा, और जब अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जाएगा लेने के लिए ज़मीन पाइकास का, तो जानते हो संघर्ष होगा। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ पाइका, देखो पाइका ही है वो बक्सी जगबंधु, पाइकास के लीडर्स सब ट्राइबल्स लोग सब है, तो एक आर्मी तैयार करेंगे और बक्सी जगबंधु लीड करेंगे उसको, उस बैटल को, हाँ समझे ना। तो दिस इट पाइकास एंड दे रिवोल्टेड अगेंस्ट द ब्रिटिश। और भी रीजन है, जैसे एग्जांपल देखो, सॉल्ट टैक्स भी बढ़ा दिया गया था, और दूसरी बात है कि कौड़ी करेंसी चलता था इंडिया में उस समय। कौड़ी क्यों? क्यों देखो, वो एरिया कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में ही आपको कौड़ी मिलता है, रिवर के आसपास कोस्टल एरिया में मिलता है। तो कौड़ी पहले, जानते हो अभी भी हम लोग बोलते हैं तो कौड़ी बोलते हैं ना शब्द, कौड़ी पहले पैसा के रूप में यूज़ किया जाता था। ब्रिटिश बोला क्या कौड़ी होता है, कौड़ी नहीं चलेगा कंट्री में, हाँ कॉइन के रूप में यूज़ होता था कौड़ी, और जानते हो कि समुद्र के आसपास मिलता है। तो कौड़ी को बंद कर दिया गया एज अ ट्रांजेक्शन के रूप में, करेंसी के रूप में, तो गुस्सा आएगा ना पाइकास को, क्योंकि पाइकास तो बहुत पहले से यूज़ कर रहा है ये लोग से। तो पहला क्या कि सॉल्ट टैक्स और बढ़ा देना, दूसरी बात है कौड़ी करेंसी को तुम्हारा वो लीगल टेंडर से हटा देना, और तीसरा क्या है तुम्हारा लैंड रेवेन्यू पॉलिसी में और ज़्यादा ही पैसा, मतलब और ज़्यादा टैक्स उठा लेना, मतलब यू हैव टू गिव मोर टैक्सेस। तो ये भी एक एडिंग फ्यूल है कह सकते हो, कि पाइकास का ज़मीन लेना, उसके बाद ये सब चीज़ करना होगा, झगड़ा होगा, समझे। तो क्या हो, मगर जानते हो ब्रिटिश जीतेगा, हाँ। जगबंधु ने क्या किया, 1825 में सरेंडर कर दिया है, और बहुत सारे लीडर्स को पकड़ के फांसी दे दिया गया, और बहुत सारे लीडर्स को पकड़ के अलग अलग जगह पर डिपोर्ट कर दिया, कालापानी मलाया, जानते हो ना जो भी व्यवस्था होगा उस समय ब्रिटिश का, जेल का, अलग अलग जगह पर सबको डाल दिया। तो मैं कोई बात नहीं, बैटल लड़े हैं जगबंधु ने, बहुत अच्छा बैटल लड़ा है। तो इसी को कॉमरेड करते हुए मोदी जी बोले हैं, हमारे भारत सरकार ने बोला उसमें 2017 में कि यस, एक्चुअल में एनसीईआरटी में बच्चे लोग को ये पढ़ाया जाए कि पाइका जो रेबिलियन हुआ था वो एक्चुअल फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। अब उस समय सरकार का ये मत था, सोच था, अब ये चीज़ एनसीईआरटी में अप्लाई किया जाए कि नहीं किया जाए तो फ्यूचर बताएगा, अभी तक तो नहीं किया गया है। अब 2017 की बात है, अभी क्या चल रहा है, 2024 चल रहा है स्टूडेंट, समझ पा रहे हो ना। मैं ये बोल देना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, सरकार के द्वारा पाइका रेबिलियन को इतना ज़्यादा इसके बारे में बोल देना एक बहुत बड़ा मैसेज आता है, और इससे हमको समझ में आता है कि पाइका रेबिलियन बहुत खतरनाक ही रेबिलियन था एक्चुअल में। भले ही आपके पेज में बहुत कम लिखा गया हो, क्योंकि आप UPSC पढ़ रहे हो, आपको वही मतलब है, मैं ये रेलिवेंट है इस मोमेंट का, आगे बढ़ूँ। हाँ, पाडला की मेदी आउटब्रेक, ये कहाँ हुआ था, वही गंजन डिस्ट्रिक्ट जो ओडिशा का है, यहाँ पे इस तरह का हुआ था, ये भी एक रिवोल्ट है, 1813 और 34 में हुआ था, हाँ। जब गंजम डिस्ट्रिक्ट, अभी गंजम डिस्ट्रिक्ट है, जब
ईस्ट इंडिया कंपनी ने गंजम एरिया को अक्वाइर्ड किया तो उस समय के जो राजा थे नारायण दियो ने, है ना, नारायण दियो, उसके सन और ब्रदर सब मिलकर रिवोल्ट किए, मगर ब्रिटिश ने आसानी से कह सकते हो कि 1834 में क्रश कर दिया और वो एरिया को रख लिया। तो ब्रिटिश तो आस्ते आस्ते जान ही रहे हो सब जगह को अपना कैप्चर करेगा, तो ये भी रिवोल्ट हुआ था। ये रिवोल्ट का ये भी कह सकते हो कि ट्राइबल रिवोल्ट ही है। आगे देखो विद्यार्थी लोग, पहाड़ियास रिविलियन 1778 कब की बात है, ये बहुत पहले की बात है। पहाड़ियास लोग चौर अपराइजिंग बताए, दोनों बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो ये ईस्टर्न इंडिया का है जी। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, बात समझना होगा तुमको। तो ब्रिटिश एक्सपांशन ऑन देयर टेरिटरी लेड टू अपराइजिंग बाय द मार्शियल पहाड़ियास ऑफ द राजमहल हिल्स। वही राजमहल एरिया बताया ना स्टूडेंट, जो हुआ था उस समय भी जंग चला था वहाँ पे भी, तो जो राजमहल हिल्स है वही झारखंड वाला एरिया जो बंगाल के साथ सटा हुआ है, तो वहाँ जो अपर एरिया प्लेटू रीजन्स वहाँ पे इस तरह का बात। पहाड़ियाँ मतलब क्या पहाड़, अब प्लेटू भी तो पहाड़ी है, तो जो ऊपर जो हाई अल्टीट्यूड वाला जो जगह है राजमहल हिल्स का, वहाँ पे इस तरह का संघर्ष हुआ था, पहाड़िया रेबेलियन हुआ था 1778 में, क्योंकि ब्रिटिश कहीं छोड़ेगा नहीं बाबू, ब्रिटिश हर जगह ही जाएगा, समझे। बाद में देखो लेटर पीस को रिस्टोर कर लिया गया। अब ब्रिटिश ने इसी एरिया को डिक्लेयर किया कि यही क्या है, दामिन ए को एरिया। इसका मतलब क्या हुआ कि नेम गिवन टू द फॉरेस्ट हिली एरिया ऑफ द राजमहल हिल्स, राजमहल हिल्स का नाम बदल दिया गया, मतलब राजमहल हिल्स का जो नाम था उसका नाम रख दिया ब्रिटिश ने, ये बोल के क्या दामिन ए को एरिया। तो कोई पूछेगा किस रेबेलियन से, किस रिवोल्ट से ये एरिया जुड़ा हुआ है दामिन ए को एरिया, तो क्या बताओगे, पहाड़िया रेबेलियन। तो पहाड़िया रिलीवेंस का पहाड़िया जो रेबेलियन का मतलब हिमालयस का बात नहीं हो रहा है यहाँ पे, राजमहल हिल्स का जो प्लेटू रीजन है उसका हिल का बात हो रहा है, बात समझे। अब संघर्ष चला है, अब जाहिर सी बात है संघर्ष का आउटकम क्या होगा, ब्रिटिश जीत लेगा, जो बात भले ही ब्रिटिश जीते, मैं एक मैसेज है ब्रिटिश लोगों का, लोगों की तरफ से कि हम रुकने वाले नहीं, हम संघर्ष करते रहेंगे, जो बात है, बात समझे ना। अरे रूलर हार गया क्या लोग जीतेंगे, सब रूलर को हरा दिया ब्रिटिश ने, आस्ते आस्ते करके सबको लिया है ना। तो ये जो एरिया सब है ये ट्राइबल्स लोग का, ये भी एरिया में इंक्रोच कर रहा है ब्रिटिश लोग। चौर अपराइजिंग देखो, चौर यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है चौर, हालांकि चौर बहुत ही नेगेटिव वर्ड है, बहुत खराब चीज़ है, खराब शब्द है ये चौर, इसलिए सबसे नीचे देखोगे तो बहुत सारे जो हिस्टोरियंस जो ज्ञानी हैं वो कहते हैं कि चौर नहीं बोला जाए, इसको कहा जाए कि फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द जंगल महल कहा जाए इसको। ये जंगल महल में हुआ था, वही झारखंड वाला एरिया में हुआ था ये, क्योंकि चौर का मतलब होता है पिग, पिग समझते हो ना, शुगर। अब शुगर बहुत ही डेरोगेटिव वर्ड है, किसी को शुगर बोल दोगे तो खराब लगेगा ना। तो वहाँ जो ट्राइबल्स लोग थे वही बंगाल वाला रीजन, मिदनापुर वाला, वही राजमहल हिल्स है ना जी, बंगाल से सटा हुआ एरिया है कह सकते हो एक तरफ से। तो जो मिदनापुर जगह पे चौर अपराइजिंग हुआ था, चौर अपराइजिंग जो कि चौर वर्ड गलत है, चौर वर्ड नहीं होना चाहिए, क्योंकि चौर वर्ड डेरोगेटिव वर्ड है, डेरोगेटिव समझते हो ना, खराब शब्द है, किसी का बेइज्जती हो सकता है इससे, मगर फिर भी चौर अपराइजिंग बोल रहे होते हैं। कई स्टूडेंट कहते हैं कि इसका नाम बदल दीजिए, नाम बदल के क्या रख दीजिए, फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ द जंगल महल रख दीजिए। अब हुआ क्या था देखो यहाँ पे समझो, बच्चे लोग वहाँ पे सूखा पड़ गया, फेमिन आ गया, और टैक्सेस बढ़ाया जा रहा था, ऑपरेसिव डिमांड्स थे, इसके वजह से बहुत ही दिक्कत हो रहा था उन लोग को। तो इसलिए वहाँ के जो एक लीडर थे, खुद अपने आप में ज़मींदार थे, बट उसका जमींदारी राइट्स को ख़त्म कर दिया था ब्रिटिश ने, उसका नाम क्या था, दुर्जन सिंह। तो दुर्जन सिंह के साथ साथ 1500 उसके फॉलोअर्स मिल के 30 विलेज में पूरा कंट्रोल स्थापित कर लिया था, पूरा कंट्रोल कर लिया था। अच्छा फराजी मूवमेंट में भी देखे थे ना ये चीज़ हम लोग, हाँ देखे देखे नहीं देखे थे हम लोग। तो 1500 विलेज को कंट्रोल कर लिया ये जमींदार ने, जमींदार का नाम क्या है, दुर्जन सिंह। हाँ, और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भी इस्टेब्लिशमेंट था, वो जो भी होगा, जो भी सब फैक्ट्री वगैरह होगा, उसको अटैक किया है, ब्रिटिश ही जीतेगा। हाँ, मगर ब्रिटिश बहुत ही ब्रुचुअल तरीके से जीता है इसमें, बाकी लैंडलॉर्ड का हेल्प लेके, बाकी जमींदार के हेल्प लेकर इसको ख़त्म किया, सप्रेस किया है। तो इसलिए चौर जो अपराइजिंग हुआ था वो बहुत ही खतरनाक मिलिटेंट था, ब्रिटिश ने पूरा अपना एनर्जी लगा दिया था इसको सप्रेस करने में, और बहुत ही ब्रुचुअली, बहुत ही क्रुएलिटी से, यानी कई लोग मारे गए होंगे इस रिवोल्ट में, बात समझे। हाँ, ब्रिटिश जीत गया वो अलग विषय है। तो ये कब हुआ था चौर अपराइजिंग, चौर अपराइजिंग यूपीएससी में पूछा गया है रिसेंट टाइम में, तो 1798 से लेकर 99 में हुआ है। कह सकते हो स्टूडेंट, याद करने का तरीका क्या है कि एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, समझ गए ना, ऐसे भी याद कर लोगे तो बहुत थे। हाँ, कोई पूछेगा कौन थे लीडर इसके, तो क्या बताओगे, दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह कौन थे, तो डिस्प्लेस जमींदार,
जानते हो बाबू, ब्रिटिश ने जमींदार को भी नहीं छोड़ा। जमींदार लोग खूब खुश रहता, जमीन है जमीन है। अरे उसको डिस्प्लेस, कितना जमींदार को तो डिस्प्लेस कर दिया उसको। आगे देखो व्हील अपराइजिंग, व्हील अपराइजिंग देखो खानदेश रीजन महाराष्ट्र का। अब हम लोग मेन वाला ट्राइबल्स में नीचे की तरफ जा रहे हैं। अब ईस्टर्न देखे ना हम लोग, अब वेस्टर्न की तरफ जा रहे हैं। वेस्टर्न का मतलब क्या हुआ बच्चे लोग, नीचे जा रहे हैं। रामोसी अपराइजिंग सुना ना, वासुदेव फाड़के के बारे में सुना था ना तुम लोग, जिसने पहली बार रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी वाला जो स्टार्ट किया कर रखा, वो भी आएगा इसमें। तो सबसे पहले हम लोग खानदेश रीजन देखते हैं महाराष्ट्र का, वो हिली एरियाज। जानते हो कि वो भी एरिया क्या है, तुम्हारा प्लेटू वाला एरिया है। तो ब्रिटिश ने क्या किया, खानदेश एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया 1818 में। इसके वजह से क्या होगा, जो भील्स वाले जो वहाँ के लोग हैं उसको डर रहेगा ना कि बाहर के लोग आके फिर ले लेगा हमारा जमीन सब। हाँ, तो इसलिए देखो वहाँ पे उस समय जो थे, जो बाजीराव टू पेशवा था वहाँ का, याद करो बाजीराव टू है ये। 1817-1819 के बाद 1817 और 1819 में क्या हुआ था स्टूडेंट, थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ था। चार वार तो हुआ है नीचे के साथ, मैसूर के साथ हुआ था, तो थर्ड एंग्लो मराठा वार हुआ था। पिंडाड़ी इशू था एक उसमें, और बाजीराव टू थे उसमें उस समय। बाद में क्या किया गया, छोटा सा एरिया सतारा बना के दे दिया गया ना। एनीवे यहाँ पे देखो, तो उस समय जो त्रिम्बकजी जो थे वो एक बाजीराव के एक मिनिस्टर थे, रेबल मिनिस्टर थे। तो उसने क्या किया, बोला कि ये जो खानदेश में ब्रिटिश ने उपाय किया गलत किया है, किसी तरह ब्रिटिश के अगेंस्ट बगावत करते हैं, किसी तरह लोगों को उकसाते हैं, तो ट्राइबल लोग को उकसाएगा वो, जो बात समझे। तो ब्रिटिश, मगर देखो वही बात, ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना मिलिट्री फोर्स यूज़ कर, पूरा एरिया तो ऑक्यूपाई कर ही लिया था ना वो वाला एरिया, ब्रिटिश अपना मिलिट्री फोर्स यूज़ करेगा, रेबल को सप्रेस कर देगा, है ना। उसके बाद देखो थोड़ा मेजर्स, काउंसिलेटरी मेजर्स होंगे, ये अलग बात है कि मतलब थोड़ा सा जैसे हुआ ना टेनेंसी एक्ट आया ना, परगना का टेनेंसी एक्ट, जिसमें ज़मीन को दे दिया गया ना वापस, कि आदिवासी वाला ज़मीन आप नॉन आदिवासी नहीं ले सकता है। बताया ना स्टूडेंट, वो संथाल वाला रीजन जो था उसी तरह कुछ होगा, कुछ कंसिलेटरी मेजर्स भी होंगे, बट दे फेल टू ब्रिंग व्हील्स टू देयर साइड। यानी कि जो व्हील्स ट्राइबल जो लोग हैं वो ब्रिटिश के फॉर्म में नहीं गया, वो भले ही उसको लॉलीपॉप दे दिया कि लो ये तुमको हम ये इतना दे रहे हैं, हम इतना दे रहे हैं, मगर उसके पाले में, ब्रिटिश के पाले में लोग नहीं गया है, अवेयर है। पिंडारी को भी तो ख़त्म किया था ये लोग, तो ये लोग को पता नहीं कौन दुश्मन है कौन दोस्त है। भले ही कुछ दे दिया, मिठाई दे दिया कि चलो भाई ये जमीन है रखो तुम, इतना कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पाले में आ जाओ, बोला हमने आए। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट जो लीडर रहे हैं व्हील अपराइजिंग के, कौन रहे हैं, सेवाराम। सेवाराम स्टूडेंट, इसको छोटे छोटे तरीके से लिखते चलो। कच्छ रेबिलियन भी हुआ है, कच्छ रेबिलियन जानते हो गुजरात का, बच्चे लोग गल्फ ऑफ खंभत और गल्फ ऑफ कच्छ तुम लोग पता होगा। खंभत वाला रीजन ये वाला है जो महाराष्ट्र के साइड में है ना, और गल्फ वाला एरिया जो कि देखते हो कि क्या बोला, अरे बच्चे लोग बुद्धि नहीं है क्या, थोड़ा सा भी मैप का, वो तो मनार है, गल्फ ऑफ मनार है, श्रीलंका वाला तमिलनाडु वाला जो वाटर है। कच्छ वाला एरिया क्या है तुम्हारा, हाँ गुजरात का जो बीच वाला एरिया है, जो माउथ वाला जो एरिया है। इतना तो यूपीएससी स्टूडेंट, थोड़ा अपना डिग्निटी रखो यूपीएससी स्टूडेंट का। देखो यहाँ पर बट कुछ पकड़ नहीं है मैप पे, मैप पूरा आना चाहिए अच्छे से। देखो यहाँ पे कच्छ रेबेलियन 1819, तो उस समय जो महाराजा थे वहाँ के कौन थे, वारामल टू, ठीक है। तो अब एक ट्रीटी हुआ ब्रिटिश और इसके बीच में, जहाँ पे हाँ इसको थ्रोन पर लाया गया, इसको थ्रोन पर रख दिया गया। जानते हो ना कि जिसको जिसको थ्रोन चाहिए वो ब्रिटिश का सहारा लेता था उस समय, हम देखे ही तो हैं। पहला जो एंग्लो मराठा वार हुआ था इसी रीजन से, गद्दी के रीजन से ही हुआ था, है ना। तो देखो यहाँ पे भी वही हुआ कि ट्रीटी हुआ ब्रिटिश और महाराजा बारामल टू के बीच में, उसके द्वारा क्या हुआ कि महाराजा बारामल को थ्रोन पर राजगद्दी पर बैठा दिया गया। हाउएवर वहाँ पर पावर स्ट्रगल चल ही रहा है, हाँ वहाँ के जो बहुत सारे चिपटेंस लोग सब है, बहुत सारे लोग सब जो पावर के लिए लड़ना चाहते हैं, चिपटेंस समझते हो ना, जिसके पास अपना अपना ज़मीन है, जो ऑक्यूपाई करके रखा है अपने एरिया में, जो अपने एरिया में बहुत पावरफुल है, तो संघर्ष चल रहा था। अब क्या हुआ देखो, ब्रिटिश इंटरफेयर किया इंटरनल फ्यूड्स, क्योंकि कच्छ एरिया में जो इंटरनल व्यवस्था है अपने अपने ज़मीन पर जो चिपटेंस है उसमें इंटरफेयर करने की क्या जरूरत है ब्रिटिश को, तो ब्रिटिश अगेंस्ट हो जाएगा ये वार, देखते रहना। अब देखो इसको बोलते हैं बाबू जैसा को तैसा। राजा बर्मल गया हेल्प लेने के लिए ब्रिटिश के पास, है ना। अब ब्रिटिश क्या है कि ब्रिटिश तो ऐसे तो हेल्प देने वाला नहीं है, हेल्प देगा तो कुछ ज़मीन लेना चाहेगा ना। तो राजा बर्मल को ये रियलाइज होगा
कि भाई गलती से ब्रिटिश को हम सहयोग कर लिया, अब राजा बर्मन ब्रिटिश का अगेंस्ट लड़ना चाहेगा तो उसके लिए देखो ट्रूप्स तैयार करेगा, वो अरब का अफ्रीकन ट्रूप्स तैयार करेगा ब्रिटिश का अगेंस्ट लड़ने के लिए, बट वो हार जाएगा। और उसके बाद हाउएवर हारने के बाद भी जो उसका बेटा होगा उसको सिंहासन पर बैठाया जाएगा, बेटा को बुलाया जाएगा भाई हमारे लिए काम करते रहना तुम, ये हमने देखा है हिस्ट्री में ऐसा बहुत हुआ है, समझा। तो उसके बाद वही एक ब्रिटिश रेसिडेंट रख दिया जाएगा, सब्सिडी अलायंस जो होता था देखो वहाँ पर रख दिया जाएगा, और रेजेंसी काउंसिल बना दिया जाएगा, उसके हिसाब से फिर कच्छ वाला एरिया को वो किया जाएगा, मतलब गवर्न किया जाएगा। हाँ तो देखो स्टूडेंट यहाँ में इसमें देखो, इन द मीनवाइल सम ऑफ द चीफटेंस कंटिन्यू देयर रेबेलियन अगेंस्ट द एलियन रूल व्हिच कंपेल्ड द कंपनी अथॉरिटीज टू फॉलो ए कंसिलियर। और चीफटेंस तो शांत रहने वाला नहीं है, वो चीफटेंस तो बार बार लड़ेगा ना ब्रिटिश के अगेंस्ट, बाद में फिर समझौता हुआ बीच में, अब कुछ चीफटेंस को भी इंडिपेंडेंस दिया गया, कुछ उसको भी जमीन दिया गया, तब जाके मामला ठंडा हुआ है। तो ये भी रेबेलियन ही है, ये भी ट्राइबल्स रेबेलियन ही है। आगे देखो विद्यार्थी लोग, रामोसी अपराइजिंग, बिल्कुल रामोसी अपराइजिंग भी अलग अलग फेज में हुआ है। देखो तुम खुद देखो 1822 से लेकर 26 फर्स्ट फेज है, 1840s में सेकंड फेज है, और 1879 में, ये 1879 वाला बच्चे लोग तुम लोग पढ़ चुके हो पहले जब रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे थे पहला फेज में, तो ये जरूर तुम लोग को बताए थे हम, बिल्कुल वासुदेव बलवंत फाड़के। खैर तुमको पहला समझना है, जो फर्स्ट जो रिवोल्ट किए थे लीडर चित्तूर सिंह किए थे, पूछा जाता है यूपीएस में कि चित्तूर सिंह जो लीडर थे वो किस अपराइजिंग से रिलेटेड है, किस रिवोल्ट से रिलेटेड है, तो रामोसी अपराइजिंग है, समझा। और यहाँ पे क्या हुआ 1822 में, क्योंकि चित्तूर सिंह लड़ना चाह रहे थे, ब्रिटिश का जो नया एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पे क्रिएट हो रहा था उससे लड़ना चाह रहे थे, याद करो 1822 बच्चे लोग, 1822 का मतलब क्या हुआ, वो वाला जो एरिया है नीचे महाराष्ट्र वाला एरिया तो ऑक्यूपाई कर लेगा ना, एंग्लो मराठा वार हो चुका है ना 1817 में, 1817-19 के आसपास, ये 1822 की बात है, 1825-26 की बात है, तो एरिया वो लेगा तो वहाँ तो इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा ब्रिटिश, तो उसी के अगेंस्ट चित्तूर सिंह लड़े हैं। 1840 में देखो, 1840 में क्या हुआ, वन सेकेंड फिर से रामोसी अपराइजिंग स्टार्ट हुआ 1840s में, जहाँ पे देखो क्या हुआ स्टूडेंट, कि राजा प्रताप सिंह को सतारा से निकाल दिया गया ब्रिटिश के द्वारा, तो इस चीज़ को लेकर बगावत हो गया वहाँ पे कि कैसे हमारे राजा को निकाल सकते हो। और याद करो बच्चे लोग 1840s में तो राजा को निकाला गया, इसलिए इतना तुम्हारा फिर से रामोसी अपराइजिंग हुआ। मैं याद करो कि 1848 में ऑन द बेसिस ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप सतारा को भी हाथ में ले लिया गया था, जस्ट लाइक कि आने वाले समय में जो झांसी को ले लिया जाएगा, तो क्लोज लिंक्ड सतारा, क्योंकि मराठा के लिए एक सतारा ही लास्ट एरिया था, और वो भी तुम्हारे 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत ले लिया गया, मगर जो भूमिका जो तैयार हो रहा है वो 1840 से ही तैयार हो रहा है, बात समझ में आ रहा है, क्योंकि उस समय के जो राजा थे राजा प्रताप सिंह को निकाल दिया गया थ्रोन से, तो बगावत हो गया, लोग वहाँ पे लड़े हैं उस चीज़ के लिए। हाँ 1879 वाला तुम लोग सब जानते हो अच्छे से कि 70s के टाइम में वासुदेव बलवंत फाड़के, हाँ उन्होंने भी एंटी ब्रिटिश अपराइजिंग शुरुआत किया, हाँ उसमें बहुत सारे लोग आए वहाँ पे, रामोसीज, डांगड़ास, है ना, लो कास्ट वाले लोग, ब्राह्मिन्स लोग, सब तबके के लोग थे, शामिल थे उसमें, समझ गए ना। इन द केस ऑफ शॉर्ट लिव्ड कॉन्कर्ट बिटवीन द कॉन्शियस इंटेलिजेंसिया नेशनलिज्म एंड पेल्वियन मिलिटेंसी, मतलब ये पूरा मिक्स्ड है, कहने का मतलब इसमें मिलिटेंट वाले भी लोग हैं, इंटेलेक्चुअल वाले लोग भी, सब मिलकर किए हैं, और देखो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा प्रेरणा बना है आगे भी जाके। तो इसलिए हम लोग राइटली कहते हैं ना कि वासुदेव बलवंत फाड़के क्या है, तुम्हारा फादर ऑफ रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज किए थे हम क्लास में, इसे पहले हम लोग पढ़ चुके, कोई नया चीज़ नहीं बता रहे हैं क्लास को। देखो आगे देखो यहाँ पे, सन्यासी और फकीर, बताओ सन्यासी भी करेगा अपराइजिंग, फकीर भी अपराइजिंग करेगा, क्योंकि हम लोग जान चुके हैं कि ब्रिटिश लोग फकीर को भी नहीं छोड़ने वाला है, सन्यासी को भी नहीं छोड़ने वाला है, बाबू ये लोग तो संत लोग, इधर से उधर जाते थे, जो भी खाने को मिल गया, जो भी राजा दे दिया कुछ जमीन तो वहाँ पे घर बना के रह लिए, जो भी पूजा पाठ की अपना, या चाहे मौलवी हो चाहे तुम पंडित हो, इसी तरह जीवन चलता था इन लोग का, है ना, वंडरस वाला जिंदगी, एक जगह से दूसरे जगह। मैं ब्रिटिश को लगाया कि भाई ये लॉ एंड ऑर्डर के लिए बहुत ही खतरा है ऐसा लोग सब, एक जानते हो ये लोग के लिए बहुत ही गंदा गंदा वो लॉ बना दिया, बाद में इंडिया आज़ाद हुआ तो डीनोटिफाइड कर दिया गया था ना बहुत सारे ट्राइब्स को, याद करो स्टूडेंट। तो हाँ यहाँ पे देखो, ये देखो 1857 जो रिवोल्ट है, यदि वो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जाना जाता है, तो इतिहास में और भी कुछ रिवोल्ट है जो हिंदू मुस्लिम यूनिटी के लिए जाना जाएगा, वो है तुम्हारा सन्यासी और फकीर अपराइजिंग, या हिंदू मुस्लिम दोनों ही
मिलकर लड़े थे, और इसी रेबिलियन को हम कहते हैं फकीर रेबिलियन या फकीर रिवोल्ट। तो फकीर में हिंदू मुस्लिम मौलवी और पंडित दोनों ही शामिल थे। देखो क्या है, सन्यासी कौन होते हैं? सन्यासी लोग, अब देखो सन्यासी तो अभी कहोगे तो दिमाग में आएगा कि पक्का वो लोग हैं पूजा पाठ करने वाले लोग सब, ऐसा जरूरी नहीं है, वो लोग भी होंगे और भी लोग होंगे। जैसे एग्जांपल देखो, जो पीजेंट्स है, कुछ पीजेंट्स जिसको अपने ज़मीन से बेघर कर दिया गया, जानते हो ब्रिटिश का पॉलिसी की वजह से, ब्रिटिश ने बर्बाद कर दिया ना बहुत सारे पीजेंट्स को, ज़मींदार को भी तो बर्बाद कर दिया अभी ब्रिटिश ने। नंबर वन। नंबर टू देखो, ये लोग क्या छोटे छोटे ज़मींदार के साथ, वही डिसबैंडेड सोल्जर्स, वही पिंडारिस टाइप के लोग सब, पैकास टाइप के लोग सब, अरुलर पोर सब यही लोग सन्यासी हैं। हाँ सन्यासी है तो ठीक है, ये तो कैटेगरी है ही, मगर कई लोग ऐसे भी है जो पूजा पाठ करते हैं, वो भी शामिल है इसमें। देखो फकीर और सन्यासी का मतलब क्या कि एक श्राइन से दूसरे श्राइन जाएंगे घूमने के लिए, है ना? जैसे बाबा धाम जाते हैं ना लोग सब, हाँ अमरनाथ यात्रा जाते हैं ना लोग सब, बिल्कुल ऐसे लोग सब है फकीर और सन्यासी, और वहाँ पर रहते भी हैं। ट्रेडिशन के हिसाब से क्या था कि ये लोग अपना थोड़ा सा आर्म्स मिलता था लोकल ज़मींदार, इसको कुछ ज़मीन दे देते थे, कुछ खाने पीने के लिए दे देते थे, और इस तरह इनका जीवन चलता था। मगर जानते हो स्टूडेंट, 1770 में बंगाल में बहुत बड़ा फेमिन आया था, हाँ, जिसको बहुत अच्छा मुद्दा में उठाए थे हमारे शशि थरूर भी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो 1770 में जब बंगाल में बहुत बड़ा फेमिन आया, फेमिन समझते हो ना, सूखा पड़ गया ज़मीन, अकाल है वो एक तरफ से, ऐसा मंजर था। और देखो उसी समय परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी ब्रिटिश लेके आ गया, न्यू लैंड सी वाला सिस्टम लेके आ गया, लैंड टैक्स बढ़ा दिया गया, तो बहुत सारे जो ओल्ड ज़मींदार थे जिसके पास ज़मीन था वो ज़मीन से बेघर हो गए। जब वो ज़मीन से बेघर हो गए, टैक्स पे टैक्स उठाया जा रहा है, तो इसके पास कहाँ पैसा होगा कि फ़कीर को सपोर्ट करे, कुछ उसको दे खाने पीने के लिए रहने के लिए, तो पूरा जो व्यवस्था है ये कल्चर है पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा ना। फ़कीर सन्यासी कहाँ जाएगा अपना मांगने के लिए, कहाँ रहने के लिए, क्योंकि फैमिन इतना बुरा आया। उसके बाद ब्रिटिश का अपना ही पॉलिसी, परमानेंट सेटलमेंट, रौतबारी सेटलमेंट, दुनिया भर का चीज, समझ पा रहे हो ना, बगावत होगा। हाँ तो मैंने ज़मींदार देखो इतना स्थिति ख़राब हो कि ज़मींदार टैक्स नहीं दे पाया, तो ये चीज़ पूरा सन्यासी पे भी असर पड़ेगा, क्योंकि सन्यासी को भी आर्म्स मिलना बंद हो गया था, उसको जो ज़रूरत का चीज़ है वो मिलना बंद हो गया, तो क्या करेगा? सबका दुख देने का एक ही कारण है, एक ही लोग है, वो ब्रिटिश, चाहे वो लोकल ज़मींदार का बात हो, चाहे डिसबैंडेड ट्रूप्स का बात हो, चाहे फकीर का बात हो, चाहे सन्यासी का बात हो, जो पीजेंट्स का बात हो, जो लैंड से बेघर कर दिया गया, सबका दुश्मन एक है, कौन? ब्रिटिश होगा। फिर बढ़िया लड़ाई होगा। देखो तो इक्वल पार्टिसिपेशन हिंदू मुस्लिम का, समझ पा रहे हो ना, सन्यासी और फकीर के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। अब बताओ ब्रिटिश लोग समझता था कि सन्यासी और जो फकीर है भारत का, ये लोग लूटर्स, चोर है, ठग्स लोग है, समझे कितना गलत सोच है, देख रहे हो ना। हाँ सन्यासी देखो इसलिए देखो, सो ऑल दिस कंपेल, तो क्या करेंगे सन्यासी लोग, ये लोग भी अपना ग्रुप बनाएंगे और ब्रिटिश राज से लड़ना चाहेंगे, है ना, कंपनी फैक्ट्रीज को लूटते हैं ये लोग भी, हाँ कंपनी फोर्सेस से लड़ते भी हैं ये लोग भी। और वॉरेन हेस्टिंग याद है, रॉबर्ट क्लाइव के बाद वॉरेन हेस्टिंग आया था, जिसने ड्यूअल गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया था, दीवानी और निजामा जो राइट्स था ख़त्म कर दिया था, बिल्कुल वही वॉरेन हेस्टिंग ने फाइनली सन्यासी को ख़त्म कर दिया, मतलब सन्यासी का जो रिवोल्ट था उसको सप्रेस कर दिया। अब देखो याद रहना चाहिए कौन से लीडर थे सन्यासी में जो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं, हाँ मजनू शाह, चिराग अली, देखो हिंदू मुस्लिम सब हो गए, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक, देवी चौधरानी, सब इंपॉर्टेंट लीडर्स रहे हैं, लेडी भी थी। देवी चौधरानी का जो पार्टिसिपेशन, ये हमें बताता है कि ये भी कम नहीं है, महिला भी ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ी है। और इससे पहले भी बच्चे लोग, यदि तुम लोगों को ठीक से याद होगा, चितागोंग आर्मरी रेड में हम लोग देखे थे कि जो यंग गर्ल्स लोग थी, जो स्कूल में पढ़ती थी, है ना, वो भी कम नहीं थी, वो भी लड़ी थी अच्छा खासा ब्रिटिश के अगेंस्ट। तो इतिहास गवाह है इस देश में, है ना, कदम कदम पे गर्ल्स ने भी साथ दिया है, चाहे वो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी के फॉर्म में हो, चाहे वो सन्यासी के फॉर्म में हो यानी कि ट्राइबल के रिवोल्ट के फॉर्म में हो, और चाहे गांधी जी का सत्याग्रह के फॉर्म में हो, हर समय गर्ल्स ने भी सहयोग किया है नेशनल स्ट्रगल में। समझ में आया ना? देखो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कितना बड़ा नाम है, उन्होंने अपना एक नोवेल लिखा था, नोवेल मतलब समझते हैं एक कहानी के ऊपर एक पूरा किताब रहता है, उसको बोलते हैं नोवेल, अनंत मात लिखा था। अनंत मात में सन्यासी रिवोल्ट के बारे में बहुत खूबसूरत तरीके से लिखा गया है,
और उन्होंने बिल्कुल देवी चौधरानी को बताया कि देखिए कितना इम्पोर्टेंट महिला है ना, कितना महिला का इम्पोर्टेंस है कि जो कि स्ट्रगल में शामिल हुई और ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ी है। बच्चे लोग, इससे पहले तुम लोग को कभी एक किताब के बारे में रेफरेंस जरूर बताया था मैंने, सन्यासी जीवन करके एक किताब था, वो मैंने पहले कभी तुम लोग को बताया होगा कि सन्यासी जीवन में भी किसी रिवोल्ट के बारे में बहुत अच्छा चर्चा हुआ है। तुम लोग का काम है कि कहीं पढ़ा चुके हो उसको जाके क्रॉस चेक कर लेना। उसी तरह ये क्या है तुम्हारा, हाँ बंदी जीवन था समझे, बंदी जीवन करके जहाँ पे देखे थे कि क्या स्थिति हो, बंदी जीवन मतलब क्या है, जो फोर्स लेबर सब कुछ समथिंग कुछ था सही, उनका क्या स्थिति था, तो ये तुमको याद होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखोगे ना, इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1860 में, तो उसके लिए भी कुछ लिखा गया था किताब सब। तो कई बार यूपीएससी सवाल पूछती है कि ये इनका किताब है, इनका राइटर कौन है, या फिर इस किताब में क्या चीज़ था, उसके अंदर कंटेंट्स क्या था। याद रहेगा तुम लोग को कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा जो अनंत मात लिखा गया है उसमें ही सन्यासी रिवोल्ट के बारे में चर्चा किया गया है। आगे देखो, सभी लोगों को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई, पता है ना तुम लोग को, रानी लक्ष्मीबाई से पहले भी देखो ये रानी थी, और इन्होंने भी वही काम किया था जो झांसी की रानी ने किया। रानी चन्नम्मा नीचे कर्नाटका की थी, ये भी लड़ी थी, और सेम रीजन था कि इनके अडॉप्टेड सन को थ्रोन पे बैठने नहीं दे रहा था ब्रिटिश लोग। और सेम झांसी का भी सेम ही कहानी है ना। तो देखो, तो ये कितूर जो जगह है तुम्हारा, वो कर्नाटका का एक एरिया है, या आप टाइम पीरियड याद कर लोगे 1824 से लेकर 29 तक। ब्रिटिश देखो, ब्रिटिश ने वही सेम वही डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का हवाला देते हुए कहा कि जो आपका अडॉप्टेड सन है वो नहीं रह सकता है राजगद्दी पे, अब ये एरिया मेरा हो जाएगा। एम था ब्रिटिश डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी के हिसाब से। अच्छा, डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी सबसे फर्स्ट कौन चलाया था, महाराजा रंजीत सिंह। हाँ, ये अलग बात है कि दलाउजी ने उसको बहुत फेमस कर दिया। तो रानी चिन्नम्मा कितूर की, वो बहुत ही अच्छा लड़ी है स्टूडेंट। मैं वही बात है कि ब्रिटिश से जितना मुश्किल चीज़ है उसको कैप्चर कर लिया गया, और वेल होंगल फोर्ट में उसको इम्प्रिजन, वहाँ पे जेल है, वहाँ पे जेल में डाल दिया गया। मैं रानी चिन्नम्मा बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, आई थिंक तुम्हारे एनसीईआरटी में कहीं पर मैंसन है, ठीक है 7-8 कहीं पर, यदि मॉडर्न इंडिया से रिलेटेड होगा तो वहाँ पर मैंसन किया गया रानी चिन्नम्मा के बारे में। आगे देखो विद्यार्थी लोग, कोंड अपराइजिंग 1846 लेके 1855, बिल्कुल आंध्र प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है ये, और कुछ ओडिशा का। तो ओडिशा ये कुंड लोग, जो कुंड वाला जो एरिया था, श्रीकाकुलम से लेके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश का वो पूरा एरिया है समझे। तो यहाँ पे ये लोग अपोज किए थे, रिवोल्ट किए थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल के अगेंस्ट। अब बोलो कि ये सर क्या हुआ इसमें, देखो बच्चे लोग, नीचे का जो लोग हैं ना बहुत डिफरेंट टाइप का कल्चर फॉलो करते हैं ये लोग। देखो कई बार होता है ना कि हम लोग कल्चर ही गलत फॉलो कर रहे होते हैं, जैसे सती देखो, सती बहुत गलत था ना, राजा राम मोहन राय कितना लड़े उस चीज़ के लिए, थैंक्स टू विलियम वेंटिक कि ख़त्म हो गया वो चीज़, मगर फिर भी हम लोग उसको यूज़ कर रहे थे। उसी तरह एक और डेरोगेटिव तुम्हारा इविल्स था, सोशल इविल्स था कि ह्यूमन सेक्रीफाइस, इसी को मारिया कहते हैं, मारिया कहो, प्रोनाउंसिएशन हो सकता है मेरा प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि ये तेलुगु वर्ड है ये सब, समझे ना, यदि तेलुगु बच्चे देखेंगे तो फिर हमको गड़ियाएंगे, मैं समझ लो कि हम तो अभी बैठे हुए हैं यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में तो प्रोनाउंस करने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा नीचे का भाषा का। एनीवे मुद्दा समझो कि ह्यूमन सेक्रीफाइस था, इस चीज़ को लेकर ना ब्रिटिश बोला कि नहीं होना चाहिए ह्यूमन सेक्रीफाइस, ये सोशल इविल्स है, मगर फिर भी लोग लड़ेंगे कि क्यों नहीं होना चाहिए, हमारा कल्चर है। ब्रिटिश अपने जगह पर ठीक ही है, ब्रिटिश ने सती ख़त्म किया था तो वो अपने जगह पे सही था कि नहीं था, मगर फिर भी राधाकांत देव तो वो कर ही रहे थे, राधाकांत देव याद है, हाँ बिल्कुल याद रहना चाहिए तुम लोग को। देखो मेन इशू क्या था स्टूडेंट की, गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि जो ह्यूमन सेक्रीफाइस हो रहा है, मारिया हो रहा है, या फिर नए नए टैक्स जो लगाए जा रहे हैं ब्रिटिश के द्वारा, या जमींदार या साहूदार वही ठेकेदार एरिया में आ रहे हैं, इसी से ट्राइबल्स लोग वहाँ से खुश नहीं थे। हाँ, एक चीज़ गलत ट्राइबल प्रैक्टिस कर रहे थे वो ह्यूमन सेक्रीफाइस का, बाकी जो एरिया देखोगे तो बाकी एरिया में तो ब्रिटिश ने गलती किया है टैक्स वगैरह बढ़ा के। चक्रा बिसोई बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है लीडर का, ठीक है, वो 1855 में डिसअपीयर हो गए, यानी कि ख़त्म हो गए। ये मूवमेंट देखो कब तक चला है, 1846 से लेके 1855 में चला है, 55 में ये चक्रा बिसोई कहीं चले गए, पता ही नहीं चला कहाँ चले गए, कहाँ मरे, कुछ पता नहीं चला इनके बारे में। उसके बाद रिवोल्ट ख़त्म हो गया,
और भी जो इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं इस रिवोल्ट का, कोंड अपराइजिंग का, जो कि कह सकते हो कि उड़ीसा और आंध्र प्रदेश का कुछ डिस्ट्रिक्ट में हुआ है, जो इम्पोर्टेंट लीडर रहे हैं वो राधा कृष्णा दंदा सेना रहे हैं। ठीक है, तो पूछता है लीडर्स का नाम स्टूडेंट। आगे देखो सतारा रिवोल्ट, सतारा रिवोल्ट देखो बच्चे लोग, सतारा का लोग सब रिवोल्ट करना शुरू कर दिए थे अंडर द लीडरशिप ऑफ धार राव इन 1840। नरसिंह पाटेकर भी आए थे, वो भी लीड किए थे इस सतारा रिवोल्ट को 1844 में। ये अलग बात है कि वो डिफीट हो गया, ब्रिटिश ने कैप्चर कर लिया। कुका रिवोल्ट पढ़ चुके हो पहले ही, पंजाब वाला पढ़े हो ना स्टूडेंट, तो भगत जवाहर मल ने स्टार्ट किया था 1840 में। मेन एम क्या था कि सिख रिलीजन को प्यूरिफाई किया जाए। महंत जो प्रैक्टिस गलत था याद है गुरुद्वारा का, तो जो फालतू का जो सुपरस्टिशियस और गलत गलत जो चीज़ था उसको हटाने का बात था कुका रिवोल्ट का। यही कुका रिवोल्ट बाद में अकाली दल बना ना स्टूडेंट, याद है कुका मूवमेंट जो हुआ था 1870s में, जो इसके सबसे इंपॉर्टेंट जो लीडर है राम सिंह ने गजब लड़ा था, बट उसको पकड़ के रंगून के जेल में डाल दिया गया, समझ गए ना। तो ये लड़ाई संघर्ष चला है। कोया रेबेलियन देखो, ये मेरा बहुत फेवरेट टॉपिक है ये वाला कोया, क्योंकि बंदर सेना है, राम जी का सेना है ये। ठीक है, ये ट्राइबल्स लोग राम जी के सेना टाइप के बन के लड़ने के लिए जाते थे, तो इसी को बोलते हैं कोया रेबेलियन। ये वही ईस्टर्न गोदावरी में, गोदावरी जानते हो ना स्टूडेंट, स्टार्ट कहाँ से होता है, महाराष्ट्र से, कृष्णा और गोदावरी महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है और अपना माउथ बनाती है बे ऑफ बंगाल में। गोदावरी का बेसिन एरिया बड़ा है, दक्षिण गंगा भी कहते हैं इसको हम लोग, है ना। तो यहाँ पर देखो तो कोयास जो रीजन है तुम्हारा वही ईस्टर्न गोदावरी में है ना। यहाँ पे भी रेबेलियन हुआ था 1803 में, हालांकि देखो इसका पीरियड 1879 से लेकर 1880 तक दिया था, मगर स्टार्टिंग तो वहीं तभी से हो गया। 1879-80 में ये और भयानक हुआ था स्टूडेंट रिवोल्ट, और उस समय कौन लीडर थे, तो तोमा सोरा, पूछा जाता है UPSC में। तोमा सोरा किस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, तो मूवमेंट क्या है, कोया मूवमेंट या कोया रेबेलियन। मेन बात क्या था, देखो मेन रीजन वही है, पुलिस और मनी लेंडर्स ऑपरेस कर रहा था ये लोगों को, है ना, नया रूल्स और रेगुलेशन लेके आ रहा था, और जो इसका बेचारे लोग का जो अपना जो कस्टमरी राइट्स था फॉरेस्ट एरियाज में, ये किया कि नहीं किया ब्रिटिश बताओ, तो उसका जो अपना अधिकार था फॉरेस्ट में, जल जमीन है ना और जीवन, तीनों को प्रभावित किया था ना, तो उसी के लिए लड़ाई हो रहा। जब तोमा सोरा मारे गए या मर गए, तो उसके बाद जो आगे जो नेतृत्व दिया है इस रेबेलियन को, वो थे राजा अंतियार। हाँ, राजा अंतियार के अंदर ही बाबू एक आर्मी तैयार हुआ, ठीक है, जिसको कहते हैं राम संधु, और संधु का मतलब होता है आर्मी, राम जी का आर्मी, राम जी का आर्मी कौन था, बानर सेना, देखो फिगर देखो, तो इस तरह का आर्मी थे, तो ये लोग बानर सेना के रूप में जाते थे लड़ने के लिए ब्रिटिश से, अब बहुत खतरनाक लोग सब। देखो जत्रा भगत और ताना भगत, बहुत सुंदर, हद सुंदर ये, इसको कहते हैं ना कि मैंने एट द बिगनिंग ऑफ द क्लास कुछ बोला था, मैंने कहा था कि ट्राइबल जो हुआ सब वॉयलेंट था, सब रेजिस्टेंट था, इतिहास में बहुत कम ही ट्राइबल मूवमेंट ऐसा हुआ जो पीसफुल था, उसमें एक ये है बात समझे। हाँ देखो बच्चे लोग, बहुत ही बेजोड़ है ये, हाँ ये वीर जत्रा ताना भगत का ये फोटो है, ये हाँ स्टैचू है जो देख रहे हो तुम लोग, जो उड़ाउंस है बताए ना बच्चे लोग, हाँ मुंडा मुर्मू उड़ाउंस, ये सब क्या ट्राइबल लोग सब है झारखंड के आसपास वाले, तो उड़ाउंस भी क्या है तुम्हारे ट्राइबल्स लोग है, छोटा नागपुर रीजन में हुआ था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा था उस समय, ये मूवमेंट तैयार हुआ था, तो ट्राइबल अपराइजिंग हुआ था जिसमें ताना भगत, वही ताना भगत कहते हैं हम लोग जितने फॉलोअर्स हैं इनके, ठीक है, उड़ाउंस सब मिल के ताना भगत और जत्रा भगत के अंदर लड़े हैं, किसके अगेंस्ट, ब्रिटिश के अगेंस्ट, बट देखो लड़ने का तरीका वो नहीं है बच्चे लोग, लड़ने का तरीका अलग है। ताना भगत का पहले ये देखो, ये जो भी टैक्स इम्पोज किया था ब्रिटिश ने, ठीक है, उसके ऊपर विरोध था, बेचारे लोग सत्याग्रह कर रहे थे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कर रहे थे, इनफैक्ट गांधी जी अभी सत्याग्रह नहीं किए हैं भारत में, तो भारत में कह सकते हो, ऑफिशियली कह सकते हो कि गांधी जी के सत्याग्रह से पहले ही ट्राइबल में सत्याग्रह हो चुका था, वो ताना भगत किए थे, ताना भगत लोग सब किए थे, जो ताना भगत के जो फॉलोअर्स हो उड़ाउंस लोग सब होंगे, तो ये अपने आप में खास मूवमेंट है कि नहीं ये बताओ तो, अन्यथा हम मूवमेंट में क्या देख रहे हैं, रिवोल्ट देख रहे हैं, मारधार देख रहे हैं, नहीं एकदम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था ये गांधी जी आने से पहले ही, इसलिए हम राइटली कह सकते हैं ना कि महात्मा गांधी जी के फॉलोअर्स सब रहे होंगे, यानी कि पीसफुल सत्याग्रह फॉलो करने वाले लोग सब रहे होंगे, अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले लोग रहे होंगे। ये जमींदार के लेके विरोध था, बनियास वही मनी लेंडर मिशनरी, क्रिश्चियन मिशनरी,
मुस्लिम और ब्रिटिश जितने भी दिकूस लोग हैं सबसे परेशान थे ये, और चाहते थे कि इसका जो ज़मीन है वो उसके पास रहे। समझ गए? रामपा रेबिलियन, देखो स्टूडेंट, रामपा रेबिलियन गांधी जी से भी जुड़ा हुआ चीज़ है, इसलिए अब ये इंपॉर्टेंट हो जाता है रेबिलियन, रामपा रेबिलियन। इसको जो लीडर थे बहुत ही डैशिंग, बहुत जवान, बहुत सुंदर, बहुत होशियार आदमी, जिसका नाम है अल्लूरी सीताराम राजू। बाबू अल्लूरी सीताराम राजू के बारे में ना अभी भी कहानी में सुनाया जाता है, बस समझे, माँ ना अपने बच्चे को कहानी सुनाती है सीताराम राजू के बारे में, इतना बड़ा शख्सियत है ये। अभी भी वहाँ पे फोक 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 लेजेंड सुनते हो ना, जैसे जिस जगह पर रहते हो तो वहाँ का राजा लोग का कहानी सुनते हो ना, तो इस तरह इनके बारे में भी सुनाया जाता है। और ये गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोअर थे, गांधी जी को बहुत पसंद करते थे ये। मैं इनका तरीका अलग था, मगर पसंद करना अपने जगह पे है, मैं गोरिल्ला वॉरफेयर करते थे ये भी, चुपके आया मार दिया भाग्य। तो ब्रिटिश को थोड़ा मुश्किल होगा ये सब चीज़ में, हमने देखा था ना गोरिल्ला वॉरफेयर से ब्रिटिश भी हारा है और गोरिल्ला वॉरफेयर से मुगल भी हारा है, शिवाजी खुद करते थे। एनीवे देखो, रामपा जो रीजन है तुम्हारा वही गोदावरी डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश का जो गोदावरी डिस्ट्रिक्ट है वहीं का, उसका हिल्स में जानते हो, आंध्र प्रदेश भी प्लेट्यू रीजन है, यू नो डैट। लीडर देखो, रामपा रेबिलियन 1922 में हुआ था, ट्राइबल अपराइजिंग, ट्राइबल्स लोग ही थे, अल्लूराम सीताराम राजू ने नेतृत्व किया था। मेन रीजन क्या है, वही ब्रिटिश का अथॉरिटीज़ का अगेंस्ट, हाँ मनीलैंडर जमींदार्स के अगेंस्ट था ये। और देखो इन लोग का जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस था बच्चे लोग, वही शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, ट्राइबल्स का अपना कल्चर है कि नहीं है, उसी को उस पोदू सिस्टम कहते हैं। पोदू सिस्टम का मतलब होता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ट्राइबल पीपल को लगा कि भाई जो लीगल सिस्टम है, जो भी ब्रिटिश बनाया है अपना कानून सब, इससे ज़मींदार को फ़ायदा हो रहा है, इससे बनिया को फ़ायदा हो रहा है, तो हमारे पास तो कोई रास्ता ही नहीं बनता है, चलो गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं। तो गोरिल्ला वॉरफेयर करते हैं, मगर ये जो शख्सियत है अल्लूराम सीताराम राजू, ये गांधी जी के बहुत बहुत बड़े फॉलोअर हैं, गांधी जी को बेहद पसंद करते थे ये। हाँ भाई, इनका टैक्टिक्स देखो, गोरिल्ला वॉरफेयर देखो, हाँ बहुत इंटरेस्टिंग फिगर सब है, समझे ना। रानी गेदुनलियो नागा मूवमेंट, नॉर्थ ईस्ट का मूवमेंट है ये, समझे, कुछ कुछ और अपराइजिंग भी। देखो ये नागालैंड के कॉज के लिए लड़ी थी, और इनको जो रानी का जो टाइटल दिया, और कोई नहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू दिए हैं टाइटल इनको, इसलिए नोट डाउन कर लेना ये सभी चीज़ को। जैसे राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया, अकबर टू ने, उसी तरह रानी गेंदुलियो को किसी ने रानी का टाइटल दिया है तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। मगर देखो इनका जीवन जो बीता है ना, बहुत अलग तरीके से बीता है, बहुत डैशिंग गर्ल, बहुत कम उम्र में ही ये रिवोल्ट करना शुरू कर दिए थे नागा के लिए। बाद में जब इंडिया में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था, तो अपना मूवमेंट को भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ही इंटीग्रेट कर दिया, बहुत फेमस हो गए थे ये। मगर उसके बाद क्या हुआ कि इनको जेल में पकड़ लिया गया, जेल में डाल दिया गया, और लंबा जेल में रहे। जब भारत आज़ाद हुआ तो फिर इनको जेल से बाहर निकाला गया। तो बेचारी बहुत जब यंग थी तो कॉज के लिए लड़ी थी, उसके बाद ब्रिटिश ने इसको जेल में पकड़ के लगभग 20 साल समझो ना, 20-25 साल इसको जेल में रख दिए उसको। भारत आज़ाद हुआ तो इंडियंस अपना रूल करना शुरू कर देंगे कंट्री में, तब इनको निकाला गया, तब इनको टाइटल दिया गया। देखो तो नागा ट्राइबल जो मूवमेंट था उसी को इंटीग्रेट किए ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जानते हो ना, सॉल्ट सत्याग्रह, जो दांडी मार्च का जो हुआ था यात्रा गांधी जी के द्वारा, वो CDM का शुरुआत था। तुम लोग जान के हैरान हो जाओगे विद्यार्थी लोग, जिस प्रांत में तुम लोग पढ़ रहे हो इस प्रांत में भी CDM हुआ है। तुम लोग जानते हो ना कि बिहार, जिस राज्य में तुम लोग को पढ़ा रहे हैं अभी, बिहार राज्य में जो पहला जो CM हुए थे, क्या नाम था उसका, उनका श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह का बहुत बड़ा रोल है बिहार को, बिहार के डेवलपमेंट में। आज बरौनी रिफाइनरी देखते हो, उनका ही रोल है। बच्चे लोग, उन्होंने भी सत्याग्रह किया था, और सत्याग्रह कहाँ से किया था, तो गढ़पुरा से किए थे। ये गढ़पुरा रीजन जो बेगूसराय से सटा हुआ एरिया है, और उसी समय श्री कृष्ण सिंह पॉपुलर हुए थे। तो गांधी जी का जो CDM चल रहा था उस समय, वो भी कर रहे थे। हाँ मैं हिस्ट्री बता रहा हूँ मैं तुम लोग को, समझे, ताकि कनेक्ट कर सको तुम लोग CDM को। आया समझ में, किस लिए लड़ाई हो रहा था नागा ट्राइबल मूवमेंट, किस लिए हो रहा था, कि वही जो गलत लॉ है ब्रिटिश का, और टैक्सेस जबरदस्ती जो पे करने के लिए बोला है कि हम नहीं पे करेंगे, उसके लिए लड़ाई हो रहा है। तो सप्रेशन के बाद वही हुआ, मूवमेंट देखो पीसफुल मूवमेंट बन गया, और उसका देखो ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन से भी बनाएंगे। अगर जानते हो कि नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारा ऑटोनोमस ट्राइबल हिल सब है, जानते हो है ना, कबुई समिति बना, अजियोलोंगकोंग काउंसिल भी बना है। हाँ ये अलग बात है कि रानी को पकड़ के अंदर डाल दिया गया इनको, बाद में जब भारत आज़ाद हो गया तो फिर उनको निकाला गया, तब तक तो इनका उम्र बीत गया होगा। मां जब मूवमेंट थी बहुत ही यंग डैशिंग गर्ल थी, बहुत कम एज की थी। आगे देखो, रिवोल्ट ऑफ मो मारियास,
1769 to 99, अच्छा खासा चला है स्टूडेंट। ये लो कास्ट पीजेंट्स लोग वाले लोग थे। आइए बताओ अहोम किंग के अगेंस्ट लड़ रहे थे, आसाम वाले जो किंग थे ना उसके अगेंस्ट ही लड़ रहे थे ये लोग सब। अब बताओ वही गलती होता है, कभी भी तुम ब्रिटिश को दावत दे दोगे तो जानते हो ना ब्रिटिश का नज़र में क्या हो जाएगा, फिर ब्रिटिश वही ज़मीन को ले लेगा अपना, जैसे हमने देखा है हर जगह ही देखा है ये चीज़। नहीं हमने मराठा में भी यही देखा था ना, तो वही हुआ था कि ये मोम वारियर्स जो है लो कास्ट के पीजेंट्स थे, अब ये अहोम किंग के अगेंस्ट फाइट करना शुरू कर दिया, ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं, किसके अगेंस्ट, अहोम किंग के अगेंस्ट। तो ये रिवोल्ट को क्रश करने के लिए अहोम रूलर ने ब्रिटिश का हेल्प ले लिया। अब जानते हो ब्रिटिश का हेल्प लेने का मतलब क्या हुआ, हाँ अहोम किंगडम तो बच तो गया रेबेलियन से, मैं वीक पड़ गया है, और उसका बर्मीज इन्वेजन हुआ है ना, हाँ बर्मा जाए तो बर्मा को तो ब्रिटिश ने भी नहीं छोड़ा, उसको भी कैप्चर कर लिया और पूरा अहोम किंगडम ब्रिटिश के अंदर आ गया। तो बात समझे, तो फ़ायदा तो उठाया है ब्रिटिश ने, हर कदम पर ही फ़ायदा उठाया है। ये भी देख लो दीवान वेलु थम्पी रिवोल्ट, ये तुम्हारा स्टेट ऑफ त्रावणकोर में हुआ था विद्यार्थी लोग, त्रावणकोर याद है ना, हाँ नीचे वाला केरल का जो हिस्सा है त्रावणकोर, कितना ज़्यादा तुम्हारा न्यूज़ में था, न्यूज़ बोले पहले हम लोग जो पढ़े थे यूरोपियन पावर्स में डच के साथ क्या रिलेशन था उसका, है ना, फिर हैदर अली टीपू सुल्तान के साथ क्या संघर्ष चला है स्टेट ऑफ त्रावणकोर का, तो वो तुमको ज़्यादा नहीं तो हल्का फुल्का तो ज्ञान होगा जरूर उसके बारे में, समझे। अब क्या स्टेट ऑफ त्रावणकोर ने सब्सिडियरी अलायंस बाबू साइन कर लिया था ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ 1805 में, बताओ तो कौन सा स्टेट है जो सबसे पहले साइन किया था सब्सिडियरी अलायंस, बताओ जल्दी से, हैदराबाद। सेकंड कौन था, नीचे वाला जो लॉलीपॉप दिया था ना उसको, कोरोमंडल को, कर्नाटक वाला, उसी पीरियड का है, मैसूर सब भी आ गया था तब तक, समझे। कर्नाटक वार हुआ था, बैटल ऑफ वांडीवास, जहाँ पता चल गया कि इंग्लिश ही आगे बढ़ेगा जी, और उधर डच को धावा पानी पिला ही दिया 1759 में बैटल ऑफ बेडारा में। स्टेट ऑफ त्रावणकोर सब्सिडियरी अलायंस वो कर चुका है, साइन कर चुका है 1805 में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब वहाँ देखो उसके बाद क्या हुआ बाबू, तो जब साइन किया तो ब्रिटिश तो अपना रंग दिखाएगा ना, ब्रिटिश कौन है, हाँ तो ये जो हाई हैंडेड एटीट्यूड है कंपनी का, उसके वजह से उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर वही जो रूलर थे वेलु थम्पी, उनको लगा कि यार क्या यार सब्सिडी अलायंस शामिल किया, सिग्नेचर तो कर दिए, साइन तो कर लिए हैं, सब्सिडी अलायंस बन गया, इसका मतलब क्या ब्रिटिश इतना दबाएगा हमको, क्योंकि रूलर जो है पहले जो रूलर रूल कर रहा है तो उसका तो सुप्रीमेसी ना है, वो उसको क्या लगेगा हम तो रूलर है, तो लगा कि नो 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 ब्रिटिश को निकालना पड़ेगा। तो ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ाई होगा, नया ट्रूप्स को तैयार किया जाएगा, है ना, मगर आरोप ये लगता है विद्यार्थी लोग कि ये जो रूलर था वेलु थम्पी ये फुल हार्टेडली ब्रिटिश के अगेंस्ट नहीं लड़ा, और ये भी स्वाभाविक बात है कि ब्रिटिश के अगेंस्ट लड़ भी नहीं सकते हो क्योंकि सब्सिडी अलायंस है वो, ये भी तो बात है। तो नया ट्रूप्स को तैयार किया, अपने पाले में लिया गया, देखो वही कुंदारा वाला गैदरिंग हुआ, वहाँ पे कहा गया उस सबको बोला गया, ये नायर को बोला गया कि ब्रिटिश को मारो आर्म्स और वेपन से ब्रिटिश को मारो, हाँ बाद में वही इसी को बोलते हैं कुंद्रा प्रोक्लेमेशन, कुंद्रा वाला जगह पे सब लोग आए, नायर्स लोग सब आए और सबको ये थम्पी ने बोला कि ब्रिटिश को मारो, मगर रियल में क्या पता चला कि थम्पी ने खुद ही सपोर्ट नहीं किया जितना उसको सपोर्ट करना चाहिए था, तो जाहिर सी बात है रिवोल्ट सप्रेस खत्म, फिर पीस बहाल किया गया, वो भी महाराजा त्रावणकोर को भी आरोप लगता है कि वही रेबेलियन को उस लेवल पर सपोर्ट नहीं किया जिस लेवल पर सपोर्ट होना चाहिए था, बाद में वेलु थम्पी मर गए वो जब सुसाइड किए हैं ताकि कैप्चर ना हो, और उसके बाद ये जो रेबेलियन जो चल रहा था तुम्हारा दीवान वेलु थम्पी का वो ख़त्म हो गया, आया समझ में, हाँ लास्ट पेज में पहुंच चुके हैं स्टूडेंट लोग। तो देखो यहाँ पे समझो, ठीक है जितना भी रिवोल्ट हुआ है सब में एक चीज़ देखा होगा, सब क्रश तो किया गया, हालांकि कॉमन चीज़ तो बहुत देखा होगा तुम, भाई एक कॉमन चीज़ ये बोल रहे हैं कि क्रश तो हुआ है सब, ब्रिटिश ने सब कुछ जीता है, कभी जल्दी जीता कभी लेट जीता, कभी कुछ रिफॉर्म्स बनाया, दुनिया भर का चीज़ किया है, मैं एक साफ साफ इंडिकेशन है कि चुप रहने वाले नहीं हैं, लड़ेंगे अपने कॉज के लिए लड़ेंगे। अब जब ये ऐसा होगा तो एक मैसेज जाएगा ना पूरा भारत में कि भले ही हार जाए वो विषय अलग है मगर संघर्ष जारी रहेगा। देखो तो वही बोले कि ट्राइबल्स ब्रेवली लड़ा है, हाँ ब्रिटिश के अपोज किया है, जो रूथलेस ब्रिटिश है जो किसी कुछ नहीं समझता उसको अपोज किया है, ये अलग बात है कि ब्रिटिश ने उसको क्रश किया है उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं हो सकता है। हाँ नंबर वन देखो तो कारण क्या, क्यों ट्राइबल अपराइजिंग फेल कर गया, तो फेल करेगा नहीं, जितना तुम ब्रिटिश रूल के बारे में समझ रहे हो उतना है ही नहीं, हम जानते हैं गदर पार्टी भी फेल कर गया, सिक्रेसी पोर सिक्रेसी, चलो वो तो एक नेटवर्क था बाहर कंट्री का, ये लोग का नेटवर्क थोड़ी अपने अपने जगह पर था,
लोगों को लगता था कि ब्रिटिश लोगों को ख़त्म करना बहुत ईजी है। कहाँ ईजी कहाँ है, गांधी जी कब आए, कब आज़ादी मिला, ईजी तो बिल्कुल भी नहीं था देखा जाए तो पूरा हिस्ट्री को। तो जो जो पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग था ब्रिटिश को लेके, ये समझ नहीं था ट्राइबल्स को। यदि ये समझ होता तो स्ट्रैटेजी दूसरे तरीके से लड़ा जाता। नंबर वन, कोऑर्डिनेशन नहीं था, लीडरशिप का कमी था, एक लीडर मरता था तो खत्म हो गया रिवोल्ट। अभी देखे ना ये चीज़ भी हम लोग, ताना भगत जतरा भगत मरे तो खत्म, बाकी दूसरा लीडर आलू राम सीताराम और राजू मरे तो खत्म हो रहा था ना ऐसा चीज़। तो लीडरशिप का भी कमी था। और दूसरी बात है कि सोशल पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव जो मोबिलाइजेशन होना चाहिए, देखो तुम्हारे पास कारतूस होना चाहिए, तुम्हारे पास लोग होने चाहिए उस तरह का, हाँ वेपन्स होना चाहिए, सोसाइटी का एक सपोर्ट होना चाहिए, सब मिसिंग था। हाँ अचीवमेंट भी है, अचीवमेंट है यस, एक इकोसिस्टम तैयार किया, इससे एक एटमॉस्फेयर तैयार हुआ कि रिफॉर्म्स चाहिए। और हम जानते हैं संथाल रीजन में रिफॉर्म्स भी आया है, बहुत सारे जगह पर रिफॉर्म्स भी आया है। ब्रिटिश जैसा रूथलेस ब्रिटिश, उसका भी दिल पिघला है और वो भी समझा है चीज़ों को, तो रिफॉर्म्स के लिए तो खड़ा हुआ है ये लोग, और ये चीज़ समझ में आया है। हाँ जो ब्रिटिश का जो लॉयलिस्ट लोग था, जमींदार लोग, पुलिस लोग, सब हवा पानी खाया ना ये लोग बढ़िया से, ये लोग को मारते मारते ब्रिटिश तक पहुँचा ना ट्राइबल्स लोग। तो जितने भी ब्रिटिश के आसपास जो थे, तो अब कोई जो कहीं पे ट्राइबल रिवोल्ट हुआ होगा और जहाँ पे पुलिस लोग मार खाए होंगे, जमींदार लोग मार खाए होंगे, तो जो नेक्स्ट जनरेशन का जो जमींदार होगा थोड़ा सोचेगा ना। बिल्कुल, तो दहशत तो क्रिएट हुआ है जो भी इंग्लिश के आसपास के जो लॉयलिस्ट लोग थे। और दूसरी बात है कि इससे ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वो चेंज तो हुआ ही होगा, जरूर हुआ होगा, क्योंकि बहुत सारा जगह पर देखे थे कि ब्रिटिश का जो अप्रोच था वो कंसिलेटरी अप्रोच के रूप में आया है। यानी कि देखो ना, एक तो बताएं तुम लोग कच्छ वाला रीजन में भी चिफ्टेंस को आए ना बाद में रिकाउंसिल करने के लिए, बहुत सारे जगह पे सबको बैठा के स्टेक होल्डर को भी कुछ कुछ दिया गया है। तो ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा उसमें बहुत रिफॉर्म्स आएगा। और हम जानते हैं पिछले क्लास में भी रेगुलेशनरी एक्टिविटीज जो फर्स्ट फेज में पकड़ के अंदर रखा गया था, तो फिर मोंटागु चेंज फंड रिफॉर्म्स आया कि नहीं आया, जिसमें जितने भी प्रिजनर्स थे सबको रिलीज किया गया ना स्टूडेंट। तो ब्रिटिश भी समझ जाएगा कि संघर्ष जारी है इन लोग का, ज़्यादा नहीं करते, ज़्यादा करेंगे तो और दिक्कत हो जाएगा, थोड़ा सा दे देते हैं, मतलब राहत दे देते हैं। कंप्लीटेड।